अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त दानिश जावेद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ आपके हर दिल अजीज प्रोग्राम हालात में। हालात में आज का हमारा मौजू है ड्रग्स। आइए हम ड्रग्स पर बात करते हैं अपने ख़ास मेहमानों से। नाज़रीन, हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर A.M. घबरानी साहब। घबरानी साहब, आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, घबरानी साहब कंसल्टेंट साइकोथेरेपिस्ट हैं और साइकेट्रिक काउंसलर हैं। पैनल पर हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं, आइए मैं उनसे आपका तारुफ कराता हूँ। डॉक्टर बद्रे आलम सैयद साहब, डॉक्टर साहब आपका इस्तकबाल है। डॉक्टर बद्रे आलम सैयद साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं मसीना हॉस्पिटल में और जनरल फिजिशियन हैं आप। हमारे तीसरे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं जैद खालिद पटेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जैद भाई आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज हमारे साथ हिंदुस्तान के मशहूर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर YA माचिसवाला साहब हैं। माचिसवाला साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, माचिसवाला साहब मशहूर साइकेट्रिस्ट होने के अलावा ग्रैंड गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्टर और प्रोफेसर हैं। उसके अलावा JJ हॉस्पिटल, GT हॉस्पिटल, मसीना हॉस्पिटल, सैफी हॉस्पिटल और पुलिस हॉस्पिटल के मशहूर साइकेट्रिस्ट हैं। आइए हम अपनी बात को शुरू करते हैं और सबसे पहले माचिसवाला साहब से ही सवाल करते हैं। माचिसवाला साहब, मैं जानना ये चाहता हूँ, एक बहुत आम सा और जनरल फ्रेज़ है हमारे आवाम के बीच, ड्रग्स, फला आदमी ड्रग्स का शिकार है, फला आदमी ड्रग्स लेता है, या फला जगह ड्रग्स पकड़ी गई, या फला जगह ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप थी, या फला मुल्क से फला मुल्क को ट्रैफिकिंग होती है, वगैरह वगैरह। ये आखिर ट्रंप ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं ये क्या है और कौन कौन से नशे जो है इस ट्रंप ड्रग्स के अंदर आते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेडिकली ड्रग्स कोई भी एक केमिकल होता है जो दवा के तौर इस्तेमाल किया जाता है, उसका मतलब कि पारासीटामोल भी एक ड्रग हो सकता है। मगर जो आम लैंग्वेज में हम लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ड्रग्स को वो ख़तरनाक सब्सटेंस, केमिकल, लिक्विड, गैस या इसी कोई भी पॉइजनस चीज़ को हम कहते हैं कि जो चीज़ लेने से शुरुआत में लेने वाले को बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही रिलैक्स फील करता है, मगर साइलेंटली वो केमिकल जब बॉडी के अंदर जाता है तो उनके ब्रेन और उनके तमाम अलग पुर्जों को डैमेज करने लगता है। तो कोई कोई ड्रग्स ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी उसके डैमेजिंग इफेक्ट दिखते हैं और कोई ड्रग्स ऐसे होते हैं कि जो कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद उसके डैमेजिंग इफेक्ट दिखते हैं। तो हमारे जो रोज़ की जो हमारी लाइफ में हम ड्रग्स को वो केमिकल्स को कहते हैं जो लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लेजर के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक अपनी आप को इस दुनिया से हटने के लिए वो लोग ये इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर माचिसवाला साहब ने हमको बताया कि वो तमाम केमिकल्स, वो किसी भी फॉर्म में हों, वो गैस की फॉर्म में हों, वो सॉलिड फॉर्म में हों या किसी केमिकल की फॉर्म में हों, जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुँचाते हैं लेकिन इब्तदाई तौर पर हमें कुछ रिलैक्सेशन या किसी मज़े का एहसास होता है, उन्हें ड्रग्स कहा जाता है। आइए हम डॉक्टर अली अकबर घबरानी साहब से पूछते हैं। घबरानी साहब, माचिसवाला साहब ने हमको बेसिक डेफिनेशंस तो बताई लेकिन स्पेसिफिकली मैं जानना चाहता हूँ वो कौन कौन सी चीज़ें, जैसे हम आमतौर पर सुन लेते हैं कि चरस, गांजा या कुछ दवाएं, गोलियां, मैंडेक्स वगैरह एक ज़माने में हम सुनते थे, या सिगरेट भरना, या और हायर लेवल पर जाइए तो हेराइन, इस तरह की चीज़ें। ये स्पेसिफिकली क्या क्या नाम की चीज़ें हैं वो, जिससे हमारे नाज़रीन बाखबर हो सके, तो ज़रा आप रोशनी डालिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। बहुत सारे नाम तो आपने बता दिए लेकिन अभी जो करंट जो सिनेरियो है हमारे समाज सोसाइटी के अंदर, एक नया एक केमिकल आया है जिसका नाम MD है और मियाओ मियाओ बोलते हैं, कैट बोलते हैं, वाइट पाउडर बोलते हैं, क्रिस्टल मेथ बोलते हैं। ये क्या है, इसे डिफाइन कीजिए। ये एक तरह का क्रिस्टल होता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, क्रिस्टल फॉर्म में भी आता है और ये आज का जो हमारा तबका है, आज का जो हमारा नौजवान तबका है, ये इस तरह का होता है कि आपने देखो बाकी दूसरे सारे ड्रग्स तो सर मुझसे ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, बहुत सारे ड्रग्स हैं ना, एक टाइम लेने में आपको हैबिचुएट नहीं हो जाओगे आप, मतलब वंस इन अ व्हाइल कभी इत्तेफाक, ऐसा हो भी सकता है कि नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है, और ऐसा हमने हिस्ट्री में देखा भी, हमारी मेडिकल हिस्ट्री में, नहीं नहीं नाउ आई डोंट टू टेक इट, नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है या मुझे चक्कर आया, वट एवर मे बी रीजन, लेकिन ये एक ऐसा जालिम ड्रग्स है अभी के टाइम। मैं चाहता हूँ आप इसे डिफाइन करें, ये है क्या चीज़।
ये एक तरह का केमिकल है। क्या केमिकल, इसकी वैल्यूज क्या, प्रॉपर्टीज क्या है? वो आई थिंक माचिस वाला सर मुझसे बेहतर बता सकता हूं। जी जैसा सर ने कहा, अभी डॉक्टर यूसुफ माचिस वाला साहब ने कहा कि ड्रग्स जब मल्टीपल लेने लगते हैं तो उसको अब्यूज होता है। पहले तो मेडिसिन यूज में होती है, फिर उसका मिस यूज होता है, फिर उसके बाद में अब्यूज होता है। जब अब्यूज होता है, रिपीट लेने से एडिक्शन होता है उसको, वो मिस यूज अब्यूज उसको ड्रग कहते हैं। जैसे चरस है, गांजा है, अल्कोहल है, अल्प्रजोलम टैबलेट है, राइट। पहले तो डॉक्टर साहब उसे प्रिस्क्राइब करते हैं उसके बेनिफिट के लिए, लेकिन उसका बाद में मिस यूज होता है, बाद में अब्यूज करने लगता है। वो तो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन। हाँ चलो, मैं यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन दे देता हूँ कि कौन कौन से ड्रग्स ऑफ अब्यूज है। नहीं, प्रॉपर डेफिनेशन और उसके साथ साथ उसकी आम पहचान, आम पहचान। तो एक जो बहुत ही पुराना ड्रग्स, कैनबिस फैमिली। कैनबिस फैमिली में आ जाता है चरस, भांग, गांजा, राइट। हाँ, तो ये एक है जो बहुत ही पुराना है। और गांजा इस तरीके से फिलहाल हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल चुका है, और यंग जनरेशन के बच्चे ये समझने लगे हैं कि गांजा तो एक हर्ब है, एक नेचुरल चीज़ है जो हिमालय में मिलती है, जो बहुत से लोग लेते हैं, और ये माइंड ऑल्टरिंग है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। और अनफॉर्चुनेटली नेट के ऊपर इतना ज़्यादा इसकी तारीफें हो रही है, ग्लोरीफाई किया जा रहा है, ग्लोरीफाई किया जा रहा है, और बच्चे लोग समझ नहीं रहे कि ये उन्हें स्किजोफ्रेनिक बना रहा है, ये इनको ब्रेन को डैमेज कर रहा है, ये डिसमोटिवेटेड कर रहा है। जो लोग गांजा वगैरह लेते, चरस, गांजा, भांग, वो ग्रेजुअली ऐसी हालत में आ जाते हैं कि बस उनको वो लेना है, कोई काम धंधे से, पढ़ाई लिखाई से कोई निस्बत नहीं, माँ बाप फैमिली से कोई निस्बत नहीं, वो लिए और पड़े रहते हैं, दिनों दिन नहाएंगे नहीं, ब्रश नहीं करेंगे, ऐसी हालत होती है। तो एक है ये कैनबिस फैमिली। सेकेंड आती है ओपिओइड्स फैमिली, हाँ, जिसमें अफीम, जो ओरिजिनल अफीम है, और सिंथेटिक्स, सिंथेटिक्स में मॉर्फिन, हेरोइन, और ये जो केमिकल्स में आ जाता है, जो अभी तो डेक्स्ट्रोप्रोपॉक्सीफोन जो बैन हो चुका है, जो प्रोक्सीवॉन के नाम से फेमस हो गया था, कोडीन जो कफ सिरप्स में यूज होता है, बहुत अच्छी एक मेडिसिन थी जब लोगों को ट्यूबरकुलोसिस में बहुत ज़्यादा खून की खांसी होती थी, तो यही उनको बचाती थी। मगर लोगों ने इसका गलत फ़ायदा किया, और कुछ अनफॉर्चुनेटली मेडिकल स्टोर्स वालों ने भी बहुत ही चने कुरमुरे की तरह ये कफ सिरप को बेचा इन्होंने। कोरेक्स है, फेंसिडिल है, रेस्कॉफ है, और बहुत सारे लोग इसके आदि हो गए। ये कैटेगरी हो गई ओपिओइड्स, जिसमें ऑफकोर्स इंजेक्शन एक पेन किलर्स भी होते हैं, हाँ, फोर्टविन इंजेक्शन, जिसके भी बहुत सारे लोग आदि हो जाते हैं। थर्ड कैटेगरी डिप्रेशन कैटेगरी आती है, जिसमें अल्कोहल भी होता है, और तमाम अल्कोहल के अलग अलग कैटेगरीज आती है ना। अल्कोहल में भी जो रम्स होती है, वॉडकाज होती है, स्कॉच होती है, और फेनीज होती है, और ताड़ी माड़ी होती है, हाँ, तो एक होता है अल्कोहल, और दूसरी होती है नींद या घबराहट की दवाइयाँ, जिसमें लोग बटन के नाम से फेमस कर दिया है, नाइट्राजेपाम, डायजेपाम, अल्प्राजोलाम। तो ये वाली दवाइयाँ भी जो एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है, मगर अनफॉर्चुनेटली लोग उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज, अब्यूज और अडिक्ट हो रहे हैं, और जो ये लेने से भी लोग, यानी ऐसे ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं कि पूरे दिन में 50-60 टैबलेट दिन भर में खा लेते हैं, जो कि यानी हमारे जैसे एक छोटी सी टैबलेट भी अगर लो तो हम 12-15-18 घंटा। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आता हूँ, यूज, मिसयूज और अब्यूज, बहुत अच्छी बात निकल के आई है डिस्कशन से। उससे पहले मैं जैद भाई आपसे जानना चाहता हूँ, आपके पास एक डेटा है, नशा इस्तेमाल करने, खासकर ड्रग्स इस्तेमाल करने वालों का आम तौर पर, मैं चाहता हूं कि वो आप हमारे नाज़रीन को बताएं, और उसके बाद ये बताएं कि इस्लामी नुक्ता नज़र ड्रग्स को लेके या नशे को लेके क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व सहाबिही अजमईन, अम्मा बाद। हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब की बात सुनकर मुझे कुरान की एक आयत याद आ गई, सूरह बकरा की सूरह 2 आयत नंबर 219 है, जिसमें अल्लाह ताला ने बताया कि वो तुम्हें शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, कहो उसमें कुछ फ़ायदा है लेकिन बहुत नुकसान है, और नुकसान फ़ायदे से ज़्यादा है। हम देखते हैं कि खमर के ताल्लुक से सारी जो आयतें, सारी जो हदीसें हैं, और कुरान की मशहूर आयत सूरह 5 आयत नंबर 90, जहाँ अल्लाह ताला ने कहा इन्नमल खमरु वल मैसिरु, यकीनन नशा और जुआ, वल अनसाबु वल इस्लामु, बुतपरस्ती और डिविनेशन ऑफ एरोज, रिज्सु मिन अमल शैतान, ये सब शैतान का काम है, शैतान के काम की गंदगी है, फजतनीबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून,
इन चीज़ों से दूर रहो अगर कामयाब होना है। तो खमर के ताल्लुक से हम देखते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कुल्लु मुस्किरिन खमरन, सारे के सारे जो नशे की चीज़ें हैं वो खमर है। और अब्दुल्लाह इब्ने उमर से हमें हदीस मिलती है रज़ियल्लाहु अन्हुमा से, सही बुखारी में है, कि वो कहते हैं मा खामर अल अक्ल, जो अक्ल के ऊपर एक पर्दा डाल दे। खमर पर्दे से आता है, मतलब एक इंसान जो क्लियरली सोच नहीं पाए, उसकी अक्ल कवर हो जाए तो वो खमर है। अब हम देखते हैं कि उसके फॉर्म्स कई बार बदलते हैं और कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि यहां पर नशा आम होगा। जी मैं यहाँ रोक रहा हूँ अभी की बात की तस्दीक के लिए। हम आम तौर पे हमारे समाज में नाज़रीन देखते ही हैं कि जो शराब या नशे या नशा खोरी के हक में बोलने वाले लोग हैं वो फौरन उठ के हमसे सवाल करते हैं, यार पूरे कलाम बाग में हमें कहीं लव शराब लिखा दिखाओ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप आवाम को, हमारे नाज़रीन को क्लियर करेंगे कि शराब को कलाम पाक में किस लफ्ज़ या किस नाम से याद किया गया और वो कौन सा लफ्ज़ है जिसकी डेफिनेशन में शराब, ड्रग्स और बाकी तमाम नशे आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ ये बताएं। बिल्कुल, तो वो लफ्ज़ है खम्र। और आप यहाँ तक देखेंगे, मैंने अपने पर्सनल काउंसलिंग एक्सपीरियंस में देखा है कि कोई ये भी कहता है कि ड्रग्स जो है वो मकरूह है, मतलब डिस्करेज्ड किसी तरह से। लोगों को इस तरह का एक पता नहीं कहाँ से फतवा आया, बात कहीं से मिल गई, लेकिन फैक्ट तो ये है कि सारी वो आयात, सारी वो हदीसें जो खमर के ताल्लुक से हैं वो शराब पर तो है ही, सारे फॉर्म्स ऑफ शराब पर है, लेकिन साथ साथ में ड्रग्स पर भी है। ड्रग्स स्लो सुइसाइड है। हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी की हदीस है, कि इन्ना लिजसदिका अलैका हक्कुन, तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है। ये बॉडी जो लोग कहते हैं ना मैं कुछ भी करूँ, ये हकीकत में बॉडी हमारी नहीं, ये अल्लाह की दी हुई अमानत है, इस्लाम ने यही सिखाया। और ये बॉडी का भी हम पर राइट होता है। इसी वजह से जिस तरह से सुइसाइड करना हराम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स जिस चीज़ से सुइसाइड करेगा वो उसी चीज़ से जहन्नम की आग में हमेशा हमेशा सुइसाइड करता रहेगा, सही बुखारी की हदीस है। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से सुइसाइड करना हराम है तो स्लो सुइसाइड करना क्या है? स्लो सुइसाइड, स्लो पॉइजन, उसी तरह तो ये तो स्लो पॉइजन है बिल्कुल, जिस तरह से हम जानते हैं आज तो ये बात प्रूवन है, मानी हुई है, समझी हुई है। तो जहर पीना हराम है तो स्लो पॉइजन पीना क्या है? स्लो पॉइजन पीना भी तो हराम है। कुरान में अल्लाह ने कहा वयुहिल्लु लहुम अत्तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, नबी तुम्हारे लिए हलाल करते हैं जो पाक है, प्योर है, और हराम करते हैं जो खबाइस, खबीस, गंदी चीज़ है। तो ये जाहिर सी बात है ये तय्यब में से है, ड्रग्स या खबाइस में से है, ऑब्वियसली खबाइस में से है। तो ये सारे एविडेंसेस है जिस तरह से ड्रग्स पीने के बाद आदमी क्या बन जाता है, माशरे के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। हम देखते हैं कि ड्रग एडिक्ट्स जब डेस्परेशन पे आते हैं तो कोई भी चीज़ चोरी करेंगे, घर में चोरी करेंगे, घर की चीज़ें बेच देंगे, मोहल्ले की चीज़ें सेफ नहीं रहोगी, कोई भी चीज़ सेफ नहीं, यहाँ तक कि उनकी खुद की बॉडी सेफ नहीं होती, अपने खून को बेच देते हैं, अपने ऑर्गन्स को भी यहाँ तक बेच देते हैं ताकि वो लोगों को ड्रग्स मिलते रहें। तो हम ये देखते हैं कोई चीज़ जो हराम चीज़ की तरफ ले जाती है या गलत चीज़ की तरफ ले जाती है तो खुद भी गलत है, ये चीज़ के तहत भी गलत है। और सीवियरिटी अगर हम देखें, और मैं इस चीज़ के ताल्लुक से जब रिसर्च कर रहा था मैं खुद अलार्म हो गया फिगर्स देखकर। हम देखते हैं कि इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जो स्टैटिस्टिक्स है कई साल से चेंज नहीं हुई है कि इंडिया में कितने ड्रग एडिक्ट्स हैं, तो कई साल से 34 लाख का फिगर चल रहा है। बल्कि इस टॉपिक पर PIL भी हो चुका है कि ये डेटा प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जा रहा है और ये एस्टिमेट सही नहीं है। 34 लाख जो ड्रग एडिक्ट्स इंडिया में है ये हाईली अंडर एस्टिमेटेड फिगर है। हम देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 1.1 करोड़ यानी इंडिया की 125 करोड़ आबादी में से 1.1 करोड़ ड्रग एडिक्ट्स है। लेकिन इससे ज्यादा अलार्मिंग रिपोर्ट एक 2006 की रिपोर्ट है। 2006 में UN की एक ऑफिस ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ कॉपरेशन में एक स्टडी किया था और वो स्टडी के अंदर जो कंक्लूजन पे आए, जो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट मेरे पास यहाँ मौजूद है, और उन्होंने ये जो कंक्लूजन्स बताए उनकी इस स्टडी के मुताबिक 2006 में 7.5 करोड़ ड्रग एडिक्ट्स थे इंडिया में एट दैट टाइम इटसेल्फ, 7.5 करोड़। और हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो फिगर्स जो हमें मिलते हैं वो बहुत परफेक्ट नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है। बीच में पंजाब का इशू बहुत उठा था इलेक्शन टाइम पर, यहाँ तक कहा गया था कि पंजाब के ऑलमोस्ट 75% यूथ ड्रग एडिक्ट्स है, ये बहुत ही अलार्मिंग बात है। लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि इसी रिपोर्ट में NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट दी गई है कि पिछले 4 साल 2011 से लेकर 2014 तक, ये 4 साल के अंदर इस रिपोर्ट में दिया है कि 100 मिलियन किलो ड्रग्स पकड़े गए, 100 मिलियन किलो यानी 10 करोड़ किलो, 100 मिलियन किलो, 10 करोड़ किलो ड्रग्स पकड़े गए। अब इमेजिन अगर करेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन 125 करोड़, यानी हर एक किलो के लिए 12.5 लोग, यानी हर 12.5 इंडियंस के लिए 1 किलो पकड़ा गया, पकड़ा गया जो कंज्यूम हुआ वो अलग,
अब इतना जब पकड़ा गया है तो स्केल हम इमेजिन नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम हमारे माशरे का है, हमारी कंट्री को बर्बाद कर रहा है ये इशू, हमारी कंट्री को खोखला बना रहा है, हमारी कंट्री जो प्रोग्रेस करके जो इंडिया जो वर्ल्ड के टाइगर्स में से बनने की कोशिश कर रही है, ये कंट्री को पीछे करने वाली बहुत बड़ी चीज़ आज है ड्रग्स। और ये इतना सिवियर है कि हम देखते हैं कि एक और रिपोर्ट जो न्यूज़पेपर्स में आई थी, मेरे पास यहाँ मौजूद है, इस रिपोर्ट के मुताबिक डेली जो सुइसाइड्स होते हैं वो सुइसाइड केसेस में से 7 ऐसे केसेस मिलते हैं जो ड्रग एडिक्ट से जिन्होंने सुइसाइड की, क्योंकि ड्रग एडिक्ट जब डेस्परेशन पे आ जाता है, कोई रास्ता नहीं होता है, तो कई ड्रग एडिक्ट सुइसाइड कर बैठते हैं। तो उसमें से डेली के डेली 7 लोग हैं, 7 लोग हमारी कंट्री के सुइसाइड कर रहे हैं ड्यू टू ड्रग्स। तो ये इतना सिवियर इशू बन चुका है और हम देखते हैं कि इस्लाम ने इसको इन द बड 1400 साल पहले इन द बेसिक फॉर्म इटसेल्फ इसको निप किया और बताया कि ये चीज़ गलत है। और ये चीज़ हम देखते हैं कि इंसानों को समझना चाहिए कि कैसे ये चीज़ बर्बादी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो सोशल तौर पर हमारे माशरे में आ चुके हैं ड्रग्स की वजह से, जिस चीज़ के ताल्लुक से वी कैन नॉट बी ब्लाइंड टू दिस प्रॉब्लम एनी मोर। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने सबसे ज़्यादा जितने भी प्रॉफिट्स आए नशे के खिलाफ के हराम किया गया है, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं एटलीस्ट मैं मेरे शहर की बात करूँ, मुंबई शहर की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा बेचने वाले भी हमारे मुस्लिम हैं, सबसे ज़्यादा नशा करने वाले भी हमारे मुस्लिम। सर मैं एक बात आपकी बात के ऊपर ऐड करूंगा और ये ही इज़ तो लाइक मेंटर गुरु एंड फिलोसोफर फॉर अस, के हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं जब कहीं ना कहीं हम उसकी काउंसलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिल्ट आता है कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ या मुझे नहीं करना चाहिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसको वहाँ तक ले जाते हैं और ये गिल्ट आता है। जो डॉक्टर साहब ने बात जो कही बहुत ही अनफॉर्चुनेट और सैड बात है कि बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो ड्रग एडिक्ट्स हैं और बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो ड्रग पेडलर्स हैं। तो हम देखते हैं कि ब्लैक शीप होते हैं, लेकिन एक बात को समझना है कि किस तरह से ड्रग एडिक्शन एक सोसाइटी में एक कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे केसेस सामने गुजरे हैं और जो मैं समझता हूँ सबके सामने गुजरे होंगे कि जिसके अंदर कई ड्रग एडिक्ट्स कहते हैं कि मुझे फला फला ने फ्री में पहले दिया, लो फ्री में मिल रहा है, फ्री में टेस्ट कराया जाता है, एक स्ट्रेटजी है, और फ्री डोजेस दिए जाते हैं, जब वो हैबिचुअल हो जाता है तो वो पैसे देके खरीदेगा। ये एक तरह की स्लेवरी है, एक तरह से अगर गुलाम बनाना है अगर तो गुलाम बनाने का एक तरीका है ड्रग एडिक्शन, क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट एक बार ड्रग एडिक्ट हो गया तो मुझे यहाँ तक का थोड़े दिन पहले केस मिला था कि एक लड़का नाइस अच्छा लड़का उसको यूनक बना दिए वो लोगों ने ड्रग एडिक्ट ने, ताकि वो बैक करके वो पैसे जो कमा करके देगा तो उससे उसको ड्रग सप्लाई होंगे। अब वो एक इंसान क्यों कोई ऐसा करेगा, एक ड्रग एडिक्ट का सारा सेल्फ रिस्पेक्ट उसका सारा के सारा जो खुद का वजूद है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है जब वो ड्रग्स के इंट्रोड्यूस हो जाता है। खत्म होने के बाद वो इंसान पूरी की पूरी तरह से हर एतबार से खत्म हो जाता है। सो लेट मी ऐड यू वन थिंग कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है ड्रग्स खरीदने के लिए, मैंने ले लिया हूं उसका आदि हो गया हूं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो ड्रग पेडलर मुझे बोलेगा कि तू 4 कस्टमर लेके आ मैं तुझे फ्री दूंगा। अब वो मेरे फ्री के चक्कर में मैं 4 नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा और मैं लूंगा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं पेडलर बन गया। राइट, पहले इस पे आते हैं हम पेडलर पे। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अलार्मिंग बात कही कि ये खासकर मुसलमानों में या इस्लाम में, सिर्फ इस्लाम के ताल्लुक से नहीं है। हम देखते हैं कि कई जगहों पर ये एक कंफ्यूजन है जो इंसानों के अंदर आया है अलग अलग धर्मों के रास्ते से, और मैं समझता हूँ ये इंसानों की एक बर्बादी का रास्ता है जो आया है। और हम सब आज जिस जमाने और दौर में रहते हैं, ऊपर वाले ने हम सबको सोचने की क्षमता और कैपेसिटी दी है हर इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म और बैकग्राउंड का क्यों ना हो। उसके लिए ज़रूरी है कि वो इवैल्यूएट करे कि क्या चीज़ उसके फ़ायदेमंद है उसके फ़ायदे के लिए और क्या चीज़ उसके नुकसान के लिए है। ऊपर वाला ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हम अपने आप को नुकसान पहुँचाएं, और वो चीज़ को समझने के बाद जो सही चीज़ है वही हम सबको करना चाहिए और गलत चीज़ से हम सबको बचना चाहिए। तो इन जनरल आई एग्री विथ यू, इन जनरल तकरीबन तमाम ही धर्म नशे के खिलाफ हैं और इस तरह के नशे के खिलाफ तो बिल्कुल हैं, लेकिन ख़ासतौर पर जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम तो नशे के खिलाफ जंग की बात करता है जहाँ तक मैं समझता हूँ। देखिए हम देखते हैं सुनन इब्न माजा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा अस्करा कसीरहु फकलीलु हराम, जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में नशा दे वो थोड़ी क्वांटिटी भी हराम है। ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये थोड़ा सा था, ये एक पफ था, उससे नशा नहीं हुआ, लेकिन वो थोड़ी सी क्वांटिटी भी हराम है। अगर वो चीज़ ज़्यादा होने के बाद नशा देगी तो वो थोड़ी सी भी हराम है। और अगर कोई शख्स नशे में आता है तो हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती, और वो नशे की हालत में मर गया तो वो जहन्नम की आग में जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये सारी बातें हैं, और जब वो नशे में है तो उसका ईमान उससे बाहर निकल आता है, सही बुखारी की हदीस में ईमान उसके अंदर बाकी नहीं रहता। तो
तो ये सारी उसके बारे में वार्निंग्स है जो नशे के ताल्लुक से, जो बिल्कुल खतरनाक बात है। उम्मुल खबाइस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है, उम्मुल खबाइस है और उम्मुल फवाहिश कहा है एक हदीस में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स नशे में पड़ता है तो वकाला उम्मी व अम्मती व खालती, वो अपनी वालिदा के ऊपर भी गलत नजर से गलत चीज गलत काम कर सकता है, अपनी खाला अपनी फुफी खाला किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आपने कहा ऐसे केसेस आए हैं, कोई ऐसा केस मिसाल के लिए मैं नाज़रीन को एक एग्जांपल देने के लिए। मैंने छोड़ा, मैं पहले वो कंप्लीट करना चाहूँगा क्योंकि मैंने टाइप्स ऑफ ड्रग्स मैंने पूरा नहीं किया। मैंने आपसे पहले तो कैनबिस ग्रुप के बारे में बताया, ओपिओइड्स के बारे में बताया, डिप्रेशंस के बारे में बताया जिसमें अल्कोहल और नींद की गोलियाँ आ जाती है, इनहेलेंस जो आजकल रस्ते के बच्चे लोग यू नो जो ग्लूज पेट्रोल डीजल क्लीनिंग मशीन लिक्विड होता है ना जो जेरोक्स वाले लोग यूज करते हैं, इथाइल्स, तो ये भी सूंघने वाले लोग होते हैं। फिर एक पर्टिकुलर कैटेगरी जो हमें हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है, जो एक्टिवेटिंग ड्रग्स जिसमें कोकेन और एम्फेटामिन ग्रुप्स, ये जो आजकल का जो हम मेथ एमडी मेफेड्रोन, ये एमडी बड़ा जिक्र सुना मैंने, तो ये सब एम्फेटामिन ग्रुप की मेडिकेशंस है। एम्फेटामिन एक ज़माने में लीगल ड्रग हुआ करता था 50-60 साल पहले, जो कुछ कुछ न्यूरोलॉजिकल और साइकियाट्रिक बीमारी में दी जाती थी। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में सोल्जर्स लोगों को एम्फेटामिन दी जाती थी ताकि वो लोग 5-5, 10-10 दिन जागे और खूब अग्रेशन उनके अंदर आए और खूब यू नो वॉर में खूब मेहनत से और खूब अग्रेसिवली फाइट करें। तो ये एम्फेटामिन, इसकी एक पर्टिकुलर डेरिवेटिव ऐसी भी थी जो एक ज़माने में स्टूडेंट समझते थे कि भाई हम रात को ये गोली लेने से डेक्सेड्रिन नाम की, हाँ तो हम खाएंगे तो रात भर हम पढ़ पाएंगे, मगर पढ़ते थे रात भर, सुबह ऐसे एग्ज़ाम के वक्त क्रैश हो जाते थे कि वो लोग सो जाते थे एग्ज़ाम के अंदर और वो लिख नहीं पाते थे। तो ये वाली जो एम्फेटामिन, क्या हुआ था कि कोकेन का सबसे महंगा नशा रहा हमारे देश में, कम से कम 5,000 रुपया चाहिए था एक बार कोकेन करने के लिए, एक डोज के लिए। और ये कोकेन पहले सुपर रिच लोगों का रहा, सेलिब्रिटीज़ का रहा, ग्रेजुअली मिडिल क्लास लोगों में आने लग गया। मिडिल क्लास वाले लोग एक दो बार ले पाए थे, उसके बाद नहीं ले पाते थे, तो कोई ब्रिलियंट इंसान ने वापस से री इन्वेंट किया ये एम्फेटामिन। और ये जो मेफेड्रिन वगैरह बनाना इतना ईजी है, 4-5 अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं, एफिड्रीन वगैरह, तो ये जैसे होम बेस, अभी बीच में करोड़ों का जो है ना ये सब एमडीज वगैरह मिला है। और ये समझो कि मुंबई के बाहर चले जाओ तो छोटी छोटी यू नो ड्रग फॉर्म्स होती है, फैक्ट्रीज होती है, तो वहाँ ये सब बनता है। इतना बनाना ईजी हो गया है, बेचना ईजी हो गया है, लेना भी ईजी हो गया है। और ये जितना एमडी ड्रग ने 2 साल के अंदर जिस तरीके से ये फैला है हमारे शहर में खास करके, और छोटे छोटे बच्चे 12-12, 14-14 साल के बच्चे, औरतें, यानी तक हमारे यू नो समझो मुस्लिम औरतें जो बिचारी नमाजी, उनको पता नहीं उनके हस्बैंड ने लिया, उनको थोड़ा सा दिया, और वो लेने के बाद एक अजीब लहर आता था, ताकत एनर्जी, डांस करने वाले रात रात भर डांस करें, जागने वाले रात रात भर जागे, मगर जब वो क्रैश होता था तो फिर वो इतने ढीले पड़ जाते थे कि फिर उन्हें वो चाहिए कहीं से भी। और ये क्या कर रहा था कि अंदर अंदर ब्रेन के पूरा पूरा डैमेज कर रहा था, लोग आधे हो रहे थे 4-6 महीने में, जो 80 किलो वाले 50-60 किलो पे आ जाते थे, ब्रश नहीं करना, नाना धोना नहीं, नशे के अंदर इतना इतना वायलेंस आता था कि हाइपर सेक्सुअल हो जाते थे, कई एक रेप्स हुए, कई एक इस तरीके की जो आपने कहा कि भाई अपने घर की औरतों के ऊपर भी गलत नज़र डालना, और पैसे के लिए ऐसे ऐसे केसेस हमारे सामने आए कि जहाँ पर उन्होंने चाकू से अपनी पेरेंट्स को भी वार किया हुआ है, तो ऐसे वाले भी केस आए हैं हमारे पास। आप ये कह रहे थे हर ड्रग एडिक्ट की एक अलग अपनी कहानी है और इतना ज़्यादा फैला हुआ है, हम ज़रूर आज डिस्कस करेंगे कि कौन से बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। हाँ, मैं उसी पर आना चाहता हूँ। उससे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि ये जैसे एमडी ड्रग्स की बात की हुई डॉक्टर साहब ने, ये किस तरह से लोगों को या बच्चों को या आम आदमी को ये लोग कन्विंस करते हैं ये नशा लेने के लिए, किस तरह से, वो मोडस ऑपरेंडी क्या है? जनाब बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमने नशे का एक कंसेप्ट बनाया है। नशे का कंसेप्ट क्या है कि या तो मैं स्मोकिंग करूंगा तो नशा है, या तो मैं शराब पीऊंगा तो नशा है, या तो चिलम लगाऊंगा तो नशा है। ये नशे की खूबी ऐसी कि आप पानी में घोल के पी सकते हो,
आइसक्रीम पे लगा के खा सकते हो, एप्पल पे लगा के खा सकते हो, स्नॉट कर सकते हो। तो घर में भी अगर हुआ तो भी माँ बाप को ये नहीं पता चलता है कि मेरा बच्चा सब्सटेंस कर रहा है या ड्रग कर रहा है, क्योंकि हमारा कंसेप्ट तो यही है कि सिगरेट नहीं पीता है, अल्कोहल नहीं लेता है, वो हराम चीज़ है। तो ये इतना आसान हो गया और मैंने फ्रेंडशिप में आपको दे दिया, आपको पता नहीं कि ये नशे वाली चीज़ें आपने ले लिया, आप कल आप वापस पूछेंगे मुझे कल जो दिया था ना मुझे बहुत अच्छा लगा था। कि ये फॉर्म ऑफ पाउडर में होता है क्या? पाउडर में भी होता है, क्रिस्टल में भी होता है। अच्छा अच्छा, तो व्हाइट पाउडर। मेरे पास एक रिपोर्ट है जी, खुद इटसेल्फ बॉम्बे में ये स्टडी हुई थी, इटसेल्फ मलाड एरिया में, और इस स्टडी के अंदर जो ड्रग एडिक्ट्स मिले उनसे ये सवाल पूछा गया कि तुमने ड्रग्स शुरू क्यों किए, व्हाट वाज द फर्स्ट रीजन, एंट्री क्यों हुई। तो उन्होंने कहा 81% केसेस में आया फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की वजह से 81% का ये रिस्पांस था कि वी स्टार्टेड बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंड सर्कल। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इस चीज़ को भी निप इन द बर्ड किया, मतलब कि पैदा होने से पहले रोका। सही बुखारी हदीस है, मसलुल जली से सोले वल जली से सु का मसली साहिबिल मिस वकीरिल हद्दाद, अच्छे दोस्त की मिसाल और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसे है जैसे इत्र बेचने वाला और लोहार की भट्टी। इत्र बेचने वाला या तो इत्र खरीद लोगे कम से कम खुशबू लेकर आओगे, और लोहार की भट्टी युहरिकु बदनक वतौबक वतजिदु मिन नूरिहन खबीसन, या तो जिस्म जलेगा या तो कपड़े जलेंगे या तो बुरी हवा तो लेकर आओगे कम से कम। तो जैसे कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रजुलु अला दीनी खलीली, एक शख्स तो अपने दोस्त के दीन पर होता है, सुनन तिर्मिज़ी की सही हदीस है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु, तुम्हें से हर कोई देखे कि किसे अपना दोस्त बनाते हो। तो ये फ्रेंडशिप का मामला जो है ये एक कॉज है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि कोई चीज अंदर पहले से थी जिस वजह से वो खुद इस चीज का शिकार हुआ। परेशान माँ अपने 6-7 साल के बच्चे को लेके आई मेरे पास, हाँ, और एकदम परेशान के बच्चा, यू नो शी डिवोर्सी थी वो, और लड़का बोले इतनी इज्जत करता है कि अगर मैं उसको यानी जो चीज़ चाहिए तो अभी के अभी चाहिए, और ज़रा भी अगर मैं ना दूं तो तोड़ फोड़ शुरू कर देता हूँ, इतना वायलेंट हो जाता है और यू नो मारने लगता है मेरे को। तो मैंने कहा कि भाई पूरी पूरी डिटेल हिस्ट्री ली, पता चला कि भाई यू नो फादर भी ऐसे वायलेंट थे, हाँ, और पेरेंट्स के डिवोर्स हो गए, और ये अभी इतनी ज़्यादा इनकी यू नो मदर जो है इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी उस बच्चे में कि शुरू शुरू में तो हर उसकी जिद, बच्चा रोया नहीं कि उसको फौरन, तो फिर वो और हाइपर होता गया, हाइपर होता गया। मैंने उसको एक जुमला कह दिया कि आज इसका प्रॉपर इलाज करा लो ना तो आगे चल करके आपका बच्चा ड्रग एडिक्ट भी बन सकता है। वो नाराज़ होके चली गई वहाँ से मेरे पास। तकरीबन 10-12 साल के बाद दूसरी क्लिनिक में था, एक लड़का मोटा सा तगड़ा सा पहलवान सा आ रहा है, उसके मुँह में इतना सारा गुटखा, बाई दी वे तंबाकू प्रोडक्ट्स भी नशा है, हा? वो हमारे लोग ये सोचते कि भाई पान तंबाकू खाना, उसमें अलग से मैं आता हूँ, अलग से आता हूँ उसमें, अलग से आता हूँ। हाँ, तो पहलवान सा आंखों में एकदम लाल खून भड़का हुआ था कि मुझे लाए क्यों यहाँ पे, और माँ बेचारी परेशान बूढ़ी जैसी हो गई थी और बताई कि भाई ये मेरा लड़का मुझे परेशान करता है, डेली कुछ ना कुछ तोड़ता है घर के अंदर, अगर मैं उसको डेली 2-3 हज़ार रुपया ना दूँ तो फिर आफत है मेरे लिए, और मैं अकेली हूँ, मेरी एक छोटी सी नौकरी है, और बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। मैं कहा कि भाई बच्चे तो अभी हर किस्म की ड्रग्स, बच्चे को पूछा आप सिगरेट पीते हो, बोला हाँ, कितनी, 40 सिगरेट रोज की, शान से, चरस पीते हो, डेली मुझे चाहिए, और क्या क्या लेते हो, जो नशा मिल जाए मुझे, नशा चाहिए मुझे, बोला एडमिट करना होगा। माँ फिर मुझे याद दिलाई कि डॉक्टर साहब काश मैंने उस वक्त आपकी बात सुनी होती, 10 साल पहले मैं आई थी, आपने ऐसा कह दिया कि भाई अगर ये बच्चे का आप आज नहीं इलाज करोगे तो ये ड्रग एडिक्ट बनेगा। मुझे तो उस वक्त आपके ऊपर इतना गुस्सा आया था कि मेरे मासूम बच्चे को ड्रग एडिक्ट कह रही है, तो मैं फिर गई नहीं और हालात ऐसे ऐसे बिगड़े, फिर उस बच्चे को मुझे मसीना हॉस्पिटल के रिहैब में एडमिट करना पड़ा, इलाज हुआ, और मैं सुन रहा हूँ कि सुकून है अब। वेरी गुड। ओवर प्रोटेक्शन, अभी डॉक्टर साहब की बात से निकल के आ रही है सामने बात कि ओवर प्रोटेक्शन, जब हम अपने बच्चों को बचपन में आउट ऑफ लव, बहुत ज़्यादा प्यार या मोहब्बत की वजह से, सबब से ओवर प्रोटेक्टेड बना देते हैं, उनकी ज़िदें मानने लगते हैं, उनकी तमाम जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने लगते हैं, तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है कि उनकी तो हर बात मानी जाएगी,
और जब बात मानी नहीं जाती तो फिर उनके बढ़ते हुए शऊर को उनकी आदत, उनका ये मिजाज गलत रास्ते की तरफ ले जा सकता है। लेकिन एक कॉज है जो बिल्कुल आंखों के सामने है और जो बहुत ही बड़ा बल्कि सबसे प्राइमरी और सबसे मेन कॉज है इस चीज का, ड्रग्स में ये बात कोई डिनाई नहीं करता है कि एक इनिशियल प्लेजर होता है और बाद में डिस्ट्रक्शन होता है। बहुत सारे बैनर कैंपेन्स होती हैं, बहुत सारे कैंपेन्स होती है से नो टू ड्रग्स, बट दे आर नॉट रियली वर्किंग, क्योंकि लोग रियली नो तो कहते हैं तो खत्म हो गए होते हैं। हम देखते हैं कि एक साइकोलॉजी है जो आज अक्सर दुनिया के इंसानों में होती है और वो साइकोलॉजी की वजह से वो इजी टारगेट बनते हैं। क्या है वो? बिल्कुल आंखों के सामने है वो। ड्रग्स में प्लेजर जरूर मिलता है और बहुत सारे लोग जो जिंदगी जीते हैं तो उनके सामने एक गोल होता है, इंजॉय योरसेल्फ। अब अलग अलग चीजें की, एक वक्त तक इंजॉयमेंट मिलता है, फिर सैचुरेशन हो जाता है। राइट। अब सैचुरेट होते होते जिंदगी से किक चाहिए, कैसे मिलेगा? एक तरह का किक कई लोगों को शराब से मिलता है और वो शराबी बन जाते हैं, उनकी जिंदगी उस रूट से बर्बाद होती है। लेकिन एक ये भी रूट है जिसमें जब ये एक इंसान चाहता है कि मैं अपने आप को इंजॉय करूं, तो इंजॉयमेंट की जो साइकोलॉजी जो दुनिया के इंसानों में है, ये खुद एक ऐसा कॉज है जो एक इजी सोइंग फील्ड है, मतलब एक ऐसा फील्ड है जो बिल्कुल जरखेज है, जिसमें ये ड्रग्स का एक बुरा पौधा कभी भी सो हो सकता है। अगर एक शख्स ये पहचाने कि वो दुनिया में आया क्यों है, वो दुनिया में जी क्यों रहा है, उसकी ज़िंदगी में मकसद क्या है, वो क्या कर रहा है आखिर में, क्यों अल्लाह ने हमें बनाया है, हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, आए तो हैं, हमें बनाया किसी ने, क्यों बनाया है, यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, अगर कोई इंसान अगर ये सोचे तो वो एक ये चीज़ के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया कि भाई एक दोस्त उसे कहेगा वन फाइन डे, एक काम करो ये लोग अच्छा लगेगा। ही इज़ नॉट बॉदर्ड, क्योंकि उसे ज़िंदगी में मकसद है, वो ज़िंदगी में हकीकत से भागना नहीं चाहता है। He doesn't want to run away from reality. वो हकीकत को फेस करने तैयार है और फेस करके हकीकत के सामना करके हकीकत से जीतने तैयार है। तो हम देखते हैं कि ये जो आम आवाम में जो साइकोलॉजी है ऑफ enjoying yourself, जो हमारी फिल्मों और वगैरह से ये जो सारे कल्चर जिस चीज़ को बढ़ा रहा है, वो खुद एक तैयार करके रेडी रखा है जिसके अंदर ड्रग्स अडिक्ट बन जाएगा वो इंसान एनी डे उस साइकोलॉजी की वजह से। मैं आपकी बात के ऊपर थोड़ा आगे एड ऑन करना चाहूंगा अगर आप मुझे इजाजत देते। नहीं, आप एड ऑन करना चाहेंगे? एक मिनट डॉक्टर साहब, आप एड ऑन करना चाहेंगे कि डिफर करना चाहेंगे? नहीं, एड ऑन करना चाहूंगा। चलिए प्लीज। कि जब ड्रग्स लेते हैं ना तो हमारे दिमाग के अंदर एक सर्किट पैदा होती है, प्लेजर सर्किट जिसको बोलते हैं, प्लेजर सर्किट। हाँ, अब दुनिया में प्लेजर ऐसी चीज है कि वो हमेशा और चाहिए मुझे, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आदमी सेटिस्फाइड होगा हैप्पीनेस से, हैप्पीनेस आएंगी विद इन से। आप इबादत करो या पूजा करो या गिरजाघर जाओ, व्हाटएवर, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, लेकिन उससे हैप्पीनेस आएंगी फ्रॉम विद इन, और ये प्लेजर आएगा और प्लेजर मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो जो मेरी नीड होगी वो अभी वांट बन गई, और वो वांट को हासिल करने के लिए, वांट तो किसी की भी पूरी नहीं होती इस दुनिया में। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि एंजॉय योरसेल्फ, बहुत अच्छी बात निकाली जैद खालिद पटेल साहब ने, एंजॉय योरसेल्फ। बिफोर यू गो हेड, आई एम सॉरी, एक बात वाजे करना, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं तो मुझे एक बात क्लिक हो रही है। बात यह है कि एक है जायज दायरे के अंदर एंजॉयमेंट, हलाल दायरे में। हम नशे नहीं कह रहे हैं कि अपने आप को संकट में डालो पूरी तरह से। नहीं, मैं बिल्कुल उस माने में ले रहा हूं, मैं उस माने में नहीं ले रहा हूं, बल्कि आपने जो कहा एंजॉय योरसेल्फ, आपने ये कहा, बात पूरी मैं कर दूं आपकी, कि एंजॉय योरसेल्फ आपको नशे की तरफ लेके जाता है, ये एक आदत, आपने इस माना में इस फ्रेज को इस्तेमाल किया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैद साहब की जो ये राय है, आप इसे इत्तेफाक करते हैं कि ये एंजॉय योरसेल्फ बड़ा आज तक जो मैं सुनता आया हूँ, इसको बड़ा पॉजिटिव फ्रेज माना गया, आज तक ये माना गया कि आप अपने अंदर छुपी हुई खुशी को निकालो बाहर, अपने आप को एंजॉय करो। तो ये अपने आप को एंजॉय करना, जैसा कि हमको जय साहब ने बताया कि ये अपने आप को एंजॉय करना कभी कभी नशे की तरफ भी लेके चला जाता है, कभी कभी आपका माहौल आपको एंजॉय कराने के नाम पर आपको नशे का आदी भी बना देता है, क्या ये सच है? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पहले तो शराब पीता था डिप्रेशन में गम को भुलाने के लिए, अब तो ऐसा हो गया है कि फ्रेंड सर्कल में रेव पार्टीज हो रही है, सर्कल में एक दूसरे का कंपटीशन हो रहा है, बाइक पे लोग 120 स्पीड में जा रहे हैं, वो कंपटीशन में भी उन लोग नशा कर रहे हैं, नशे से बर्बाद हो रहे हैं। इन्जॉयमेंट उस वक्त रहता है लेकिन नशे के हालत में इन्जॉयमेंट भी नहीं मिलता है, क्रैशेज हो रहे, एक्सीडेंट हो रहे, सब कुछ हो रहा है, तो वहाँ कहाँ इन्जॉयमेंट हो रहा है, वो कंपटीशन में हो रहा है, और फिल्म में देख के, टीवी सीरियल में देख के हीरो सिगरेट पी रहा है, सिगरेट के अंदर कुछ भर के पी रहा है, वो भी इन्जॉयमेंट शॉर्ट टर्म रहता है, लेकिन उसका माइंड और बॉडी डिस्ट्रक्शन पे जाता है, माइंड काम नहीं करता है, बॉडी आस्ते आस्ते डिटोरिएट होते रहती है, वो इम्यूनिटी जो सर बताना चाहते थे वो बात
पूरी होसर की हुई नहीं कि वो बचपन से ही वो इम्यूनिटी रहती है बॉडी में, बाहर से एक एटमॉस्फेयर से मतलब माँ बाप से दूर बाहर मिला फ्रेंड, फ्रेंड हमदर्द हो गया, उसने दे दिया ये ले लचास्का ले भूल, फिर उसने घर को भूल गया, नशे की हालत में सब कुछ भूल गया वो, तो वो उसी बात की बात है कि वो जहर तो जहर ही रहेगा, जहर तो जहर ही होता है, दिमाग तो खराब करेगा। जना मैं यहाँ ये कहूंगा कि एंजॉय तो क्रिकेट खेलने से भी हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, एंजॉय फुटबॉल खेलने से हो सकता है। यहाँ यहाँ बड़ा स्पेसिफिक बात है, एंजॉय और सर नमाज पढ़ रहा है, वो भी जैसे नमाज पढ़ रहा है, एंजॉय सब मिलते हैं, ये एक हलाल जायज एंजॉयमेंट है, एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ है वो भी एक हलाल एंजॉयमेंट है। नहीं बिल्कुल, लेकिन जब एक मकसद जिंदगी का होता है आई वांट टू एंजॉय, हाँ एक होता है गोल ही जिंदगी में, खालीपन एक होता है वो खालीपन को भरने के लिए लाया जाता है, और जब वो लिमिट्स के अंदर रहने तैयार नहीं है ये एंजॉयमेंट, जब वो हलाल और अल्लाह की कायम की हुई बाउंड्रीज के अंदर रहने तैयार नहीं है, जब वो विदाउट बाउंड्रीज कहीं पे भी जाने तैयार है तो कोई दिन ड्रग्स में भी जा सकता है। राइट राइट राइट, वो किसी भी हराम चीज में जिस तरह से जा सकता है तो ड्रग्स में जाना कौन सा दूर है, तो वो साइकोलॉजी जो उसकी थी पहले से वो खुद कहीं रूट कॉज बन रही है। एक कारण उसका ये भी हो सकता है कि अगर मैं वालिद हूँ और अगर मैं गेटवे ड्रग्स हमारे पास तीन है जहाँ से हम एंट्री लेते हैं, उसके बाद में सारी दुनिया आती है, तो गेटवे ड्रग्स में जो आता है पहले स्मोकिंग आता है, दूसरा गुटखा आता है, और तीसरा जो है वो अ सिप ऑफ बियर अल्कोहल गेटवे ड्रग, क्योंकि मेरा बच्चा मुझसे ही, आई एम अ रोल मॉडल फॉर माई चाइल्ड, तो अगर रोल मॉडल एज ए मॉडल अगर मैं करूँगा तो वो क्या सीखेगा। बाप सिगरेट तक था, बेटा ड्रग्स तक पहुँच गया। मेरे तजुर्बे में जो आई एक अलग साइकोलॉजी आई, मेरे एक दोस्त हैं सिगरेट पीते हैं बहुत, उनका छोटा सा बच्चा उनसे नाराज़ है, सिगरेट पीने पर नाराज़ है, मुश्किल से 4 साल का बच्चा, और उन्हें आके ये बताता है बाकायदा कि पापा आप सिगरेट ना पियो, सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, लंग्स ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि टीवी के एड में वो देखता है, और आके उनको ये बताता है बाकायदा, और फिर कहता है अच्छा आपको पीनी है तो पीजिए, बाहर जाके पीजिए, मेरे लंग्स से खराब। इमेजिन करिए कि जो डब्बे के ऊपर डायरेक्ट लिखा होता है कॉजेस कैंसर, फिर भी अभी पीता है। मतलब ये 4 इयर्स 4 साल का बच्चा, इतना छोटा बच्चा जो समझदार है वो अपने बाप को सलाह देता है, वो बाप कितना ना समझ होगा, बाप ना समझ हुआ, लेकिन ये गेटवे की बात गलत साबित हो रही है। उसके अलावा हम देखते आए फिल्मों में एक जमाने से ये फैशन था कि आपके हाथ में एक 5-5 का पैकेट हो या किसी भी सिगरेट का पैकेट हो, लाइटर हो, पर्सनैलिटी हो, आपने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हो, जहाँ जाएं तो वो सिगरेट का पैकेट रखें, सिगरेट जलाएं, वो एक पर्सनैलिटी का हिस्सा माना जाता था, ये माना जाता ओह ये कामयाब लोगों में है, एक जमाना वो था, एक जमाना आज ये है। अच्छा बड़ी अलार्मिंग बात सिगरेट के हवाले से जो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जो मेरे मुहाजमे और तजुर्बे की बात है, आज मैं नाज़रीन अलग अलग मेट्रो सिटीज़ में स्पेसिफिकली देखता हूँ, अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाके बैठता हूँ या कहीं कॉफ़ी शॉप्स में जाके बैठता हूँ, तो वहाँ ये देखता हूँ कि लड़कियाँ आमतौर पर लड़कियों में स्मोकिंग की आदत बहुत ज़्यादा पड़ी है, नौजवान लड़कियों में, इवन मैं पान की दुकानों पर या सिगरेट की दुकानों पर ये देखता हूँ, मैंने नोटिस किया अब तक हमारे घर की बच्चियाँ या लड़कियाँ जो थी वो पान की दुकानों पर जाने से शर्म महसूस करती थी, अभी एक स्कूटी आके रुकेगी या कोई एक गाड़ी आके रुकेगी, एक अच्छी सी बच्ची उसमें से उतरेगी और वो उतर के बोलेगी भैया 2 सिगरेट देना, 4 सिगरेट देना या 1 पैकेट देना, ये लड़कियों और औरतों में जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है इसका सबब क्या है? हमारी सोसाइटी में हमारी लड़कियों ने औरतों ने डेफिनेटली प्रोग्रेस किया है, अभी ये है ना कि भाई हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे मर्दों के, तो जब कंधे से कंधा मिला के चलेंगे अभी एक लड़की पायलट्स भी हो सकती है, बहुत सारा कुछ हो सकता है, बहुत सरकास्टिक बात कर रहा है, ये बड़ा सरकास्टिक वे में बात कर रहा है, मतलब फिर ये वाली चीजों भी आ सकती है। नहीं इसके पीछे साइकोलॉजी क्या, सिगरेट पी सकते हैं तो वहाँ औरतों ने कहा हम क्यों पीछे रहे, लेकिन सही बात ये मर्द भी गलत कर रहे थे पहले से और यहाँ औरतें भी गलत करने लगी, तो हमारा प्रॉब्लम तो कंपाउंड हो गया अभी। नहीं अब ये चीजें अगर हम ये कहें कि इसकी जिम्मेदारी हमारा जो तरक्की का फॉर्मेट है या मर्द और औरत का साथ मिलकर चलना, कदम से कदम मिला के चलना है, तो ऐसी और बहुत सारी चीजें जो आ सकती है, लेकिन जो ग्रोथ रेट सिगरेट पीने का है वो इतना ज्यादा क्यों है? सिगरेट ही नहीं, गरज चरस सब पी रहे, और ये उसके सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट साइकोलॉजी की बात करें ना तो फीमेल्स देखा जाए ना तो उनका इंटेलेक्चुअली इमोशनली सोशली हॉर्मोनली काफी कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू मेल, इसलिए कहा गया है कि भाई फीमेल्स में डिप्रेशन इज डबल टू मेल्स, और अभी ये तो मैं साइकोलॉजी पे आया नहीं कि वेरियस कॉजेज विच लीड्स टू अल्कोहलिज्म एंड ड्रग एडिक्शन, जिसमें डिप्रेशन इज बिकमिंग नंबर 1,
मूड डिसऑर्डर है, 60% 70% लोग डिप्रेशन में है या जा सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिप्रेशन को नंबर वन इलनेस बना दिया है, कार्डिया हार्ट और लाइफस्टाइल डिजीज नंबर टू पे आ गया है। तो हमारी जो फीमेल्स है बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उन्हें भी रिलैक्सेशन चाहिए। चलिए, अपने तमाम पैनलिस्ट से इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए इस तरह से बात करते हैं, अगर मैं अपने तौर पे बांटूं नशाखोरी की आदत को या ड्रग्स के कंजम्पशन को, तो तीन हिस्सों में बांटूंगा, जिन तीन हिस्सों में हमारा समाज बटा हुआ है, और उन तीन हिस्सों के हवाले से बात करते हैं। एक हमारा तबका है जिसे हम लोअर क्लास कहते हैं, एक हमारा तबका है एंड अ ब्रॉडर व्यू जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, और एक हमारा तबका है हायर क्लास। इन क्लासेस वाइज हम ड्रग्स के कंजम्पशन को, उनके रीजंस को और उनके तरीकों और अतवार को डिस्कस करते हैं। जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा था कि लोअर क्लासेस में अक्सर देखने में आता है कि लोग नशे के आदि हो जाते हैं, इसलिए काम नहीं है या इसलिए डिप्रेशन है, मुख्तलिफ वजूहात। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये जो लोअर क्लास है, अगर हम एट ए ग्लांस बात करें तो ये कौन कौन से नशे को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, और उन नशों को इस्तेमाल करने की वजूहात इनकी दूसरे तबकों से अलग हैं या वही हैं, और इनका हल कैसे निकाला जा सकता है? मुझे पूछे तो लोअर क्लास के बच्चे ही जो है वो बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट बनेंगे, बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे और बहुत कामयाब होंगे, एक तबका तो वो हो गया। दूसरा जो तबका है वो अपने माँ बाप से मॉडलिंग लेगा। नहीं, बिल्कुल लोअर क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, रिक्शा पोलर एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, क्योंकि वो झोपड़ी वाला ही उसका बाप जो होगा सिगरेट पीता होगा या लोकल दारू शराब पीता होगा या गुटखा खाता होगा, तो वो उससे रोल मॉडलिंग से सीखेगा। लेकिन एक उम्र पे आने के बाद में, जब टीन एज पे आता है, तो ही वॉन्ट टू प्रूव हिज ओन आइडेंटिटी। ओके, हाउ विल ही प्रूव? राइट, बिकॉज जैसे सर ने बताया कि मेरे हाथ में सिगरेट होती है, मैं मैचो मैन बनूंगा। अब उसको स्टडी से कोई लेना देना नहीं है, आगे एजुकेशन हुआ नहीं है, उसका टाइम किल करना है, ही वॉन्ट्स टू बिकम लाइक दैट कि भाई मैं भी उस पीयर प्रेशर के अंदर घूमूं और अपने आप को प्रूफ करूं माय ओन आइडेंटिटी। हकीकत से दूर भागकर एक इमेजिनरी वर्ल्ड में, फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर वो अच्छा लग जाता है, अपनी जिंदगी से फरार हासिल करके फैंटेसी में जाना चाहता है। फैंटेसी में जैसे ही वहां एंट्री हुई ना, क्या कि वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए ही कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास इस तबके से पेशेंट्स आते होंगे, आप क्या समझते हैं, क्या लगता है आपको कि इनकी रूट कॉजेज क्या क्या हैं? मैं पहले तो ये वाले इशू को आगे बढ़ाऊंगा, इसी इशू पे बात कर रहा हूं। हां, ये लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास। देखिए, एक जमाना था ना जब जो रेवोल्यूशन वगैरह है ना हमारे वर्ल्ड के अंदर, तो लेबर्स एक होते थे ना, जो ओनर्स लैंडलॉर्ड्स वगैरह, एक होते थे लेबर फोर्स, जो दिन भर बड़ी तगड़ी मशक्कत उनको मेहनत ना स्लेवरी टाइप की मेहनत करे, तो शाम को रात को वो लोग इतने थक जाते थे कि उनकी थकान दूर करने के लिए उन्हें कोई ना कोई सब्सटेंस की जरूरत पड़ती। राइट राइट राइट। तो उस जमाने में वो हिसाब से अल्कोहल और गांजा वगैरह उस टाइप की या अफीम की चीजें उस जो वर्किंग क्लास लोगों में आई। हमें आज का जमाना लूंगा, हमारा साइकोलॉजी और साइकेट्री ये मानता है कि भाई साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जैसे ये भी एक नशा एडिक्शन भी एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर में आ चुका है, तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर कास्ट, क्लास, क्रीड, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को नहीं देखता है, इसके अलग ही वो है जिसमें आजकल जेनेटिक फैक्टर, हेरिडिटरी फैक्टर एंड देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आता है। ये है कि भाई एक अगर हम लोग लोअर जो लोअर क्लास यानी हम लोग स्लम एरिया की बात करें, हाँ, और अगर आप स्लम्स को, अगर आप मुंबई के स्लम्स को अगर आप सोचोगे, तो हमने रियलिटी में भी समझो कि धारावी है या इस तरह के देखे, या फिर हमने पिक्चरों में देखे कि वहाँ पर जो है मशेरी, तंबाकू की चीजें आम चीज जैसे दातुन करना भी मशेरी से करना होता है। राइट राइट। हाँ, वहाँ पे घर घर में जो देसी थर्रा वगैरह जो बनाना, हाँ, तो सब जितने भी वो उस तरीके के जो देसी दारू वगैरह सब वहाँ बनता था। और ये जो हेरोइन वगैरह जब आया 1980s में हमारे देश को बहुत बुरी तरीके से ले डुबा था, तो ये सब इसका बनना करना सब स्लम्स वगैरह में हुआ था। ओके, हाँ, वो मतलब इसका बनना अपर क्लास में नहीं हुआ, हाँ, तो बनना करना वहाँ पर हुआ
बिक्री वहां से हुई, कंजम्पशन वहां, हां हां, तो वहां का ये फिर ये ना एक सोशल इकोनॉमिक कल्चरल स्टेटस वाली बात आ जाती है कि भाई एक स्लम एरिया में एक एक घर में समझो के बच्चे भी ज्यादा होते थे, यू नो, आज आप जितनी हायर क्लास में जाओ तो वहां पे एक या दो बच्चे दिखेंगे, जितने हम लोअर क्लास में आएंगे तो वहां पे फैमिली बड़ी है और मींस कम है, हाँ, और वहां फैमिली छोटी है मींस ज्यादा है, ध्यान नहीं, तो उसमें से क्या है कि एक आध ब्लैक शीप निकल जाता था, हाँ, ज्यादा करके, तो जो वो फिर वो यू नो ड्रग्स वगैरह या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स की तरफ जाता था। अब मिडिल क्लास वाले आओ तो फिर वो जो न इधर के न उधर के, तो ये जो वाले मिडिल क्लास वाले बच्चे, हाँ, क्योंकि नशा जो है ना शुरू होता है 10-12 साल के बाद जो हम एडोलेसेंट फेज में आते हैं। मैं आपको टोक रहा हूँ बीच में, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं और इस क्लास से पेशेंट आते हैं, ये जो लोअर क्लास जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी आप क्या देखते हैं? अच्छा, हम तो वापस मैं थोड़ा सा दोहरा लूं कि कौन कौन से लोग जा सकते हैं नशे की तरफ। हाँ बिल्कुल, प्लीज, पहले वो कर लेते हैं। देखिए, अभी ये बात आई कि भाई नशा या तो किसी को बहुत ज्यादा मिल रहा है तो वो भी नशे की तरफ जा सकता है, या अंडर प्रिविलेज, हाँ, जैसे भाई एक बच्चा है जिसके माँ बाप का साया हट गया है, वो यू नो उसको बहुत कम प्यार मिला है वगैरह, वो भी जा सकता है। अब अगर हम साइकोलॉजी और साइकेट्री और चाइल्ड डेवलपमेंट को ले तो कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो आज हम देखते हैं और हम बता पाते हैं कि आगे चल करके ये बच्चा नशे की तरफ जा सकता है कि नहीं। इसमें कुछ कुछ डिसऑर्डर्स है जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD, हाँ, ये वो बच्चे होते हैं कि जो शुरुआत से एकदम पैदा होते ही हमें पता चल जाएगा ये बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर, बहुत ओवर एक्टिव, बहुत ही अग्रेसिव, बिल्कुल शांत नहीं बैठने वाले बच्चे हैं। यानी वो लोग यानी अगर जब नर्सरी या स्कूल में जाएंगे तो सबको परेशान कर देंगे। अगर हमारी क्लिनिक में अगर ये बच्चा आ गया ना तो हमको सब छुपाना पड़ता है, कभी हमारा मोबाइल लेके तोड़ डालेगा, अभी हमारा ये सब। तो ये ADHD, ये बच्चे आगे चल करके ड्रग्स में जा सकते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर सेकेंड कैटेगरी आता है। ये कंडक्ट डिसऑर्डर में बच्चे को शुरुआत में हम देखेंगे कि ये बच्चे को झूठ बोलने की आदत है, ये बच्चे को चोरी करने की आदत है, ये बच्चे को यू नो सबको हैरान करने की आदत है, उसको अजीब मजा आता है कि किसी को पीछे से टपली मार के जाना, कोई चीज़ को तोड़ देना, जानवरों को यानी यू नो जलाना, हाँ, या ये यू नो डिस्ट्रक्शन, ये है अंदरूनी, इसको कंडक्ट डिसऑर्डर। ये बच्चे आगे चल करके ड्रग्स अल्कोहल की तरफ जा सकते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है डिप्रेशन, जो आज बहुत ही कॉमन चाइल्डहुड डिप्रेशन, यू नो एक होता है एहसास कमतरीन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ब्रिलियंट है मगर बहुत ही नर्वस बच्चे होते हैं, जल्दी मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, यू नो उनको 10 लोगों में इतनी उनको बेचैनी होती है, हाँ, इतनी घबराहट हो जाती है, पसीने पसीने छू जाते हैं। ये बच्चों को अक्सर बेड वेटिंग का भी प्रॉब्लम होता है, नींद के अंदर पेशाब कर जाना, ये बच्चों को नाखून चबाने की आदत होती है, बच्चों को उंगली चूसने की आदत होती है, ये बच्चों के अंदर तो आगे चल करके लर्निंग डिसेबिलिटीज भी आने के चांसेस हैं, लर्निंग डिसऑर्डर्स, हाँ, जिसमें हो सकता है कि लिखने वगैरह का प्रॉब्लम हो, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ये भी आगे चल करके ड्रग्स की तरफ जा सकते। फिर एक होता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर टाइप ए टाइप बी, ये भी आगे चल करके ड्रग्स की तरफ जा सकते हैं। और एक वो कैटेगरी जिसको हम लोग स्किज़ोफ्रेनिया या बॉर्डरलाइन स्किज़ोफ्रेनिक, ये बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, ये वाले बच्चे अक्सर IITs वगैरह कैटेगरी के होते, इतने हाई IQ। मुझे याद है कि मैं जब MBBS ज्वाइन किया तो मेरे से 1 साल सीनियर है, इतना ब्रिलियंट, यानी सब उसके पास जाए अपने प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए, अगर हमें कुछ मेडिसिन एनाटॉमी फिजियोलॉजी कुछ क्वेरी हो तो हम उसके पास, इतना ब्रिलियंट यानी। और वो उस वक्त भी हमेशा उसके हाथ में सिगरेट रहे, बट टू ब्रिलियंट, आगे बढ़ा हो यानी हार्डली हम तो उसको बुक के साथ देखे, मगर उसको नॉलेज उसका इतना, साइकेट्री भी ज्वाइन किया उसने मगर जब तक कि वो पूरा पूरा ड्रग एडिक्ट बन गया था और साइकेट्री कर नहीं पाया। आखिर में जब मैं ही साइकेट्रिस्ट बना तो मुझे उसका इलाज करना पड़ा, बहुत ही मेहनत की, मगर यानी इतना ज़्यादा होशियार ना, ये बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते ना तो वो अपने आप को कि आई नो द बेस्ट, तुम्हें क्या पता मुझे मालूम है ना, वो वाली चीज़ में कभी वो ट्रीटमेंट फॉलो किया नहीं। उसके माँ बाप पकड़ पकड़ के लेके आते थे, मैं उनको एडमिट करता था, वन फाइन डे नशे में धुत, रोड एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गया। माय गॉडनेस, ब्रिलियंट, यानी अगर ये ही ना ये कुछ बना होता
तो इस तरीके के जो कैटेगरी ऑफ केसेस है, तो क्या हम ड्रग प्रिवेंट कर सकते हैं? मैं कहता हूँ यस। अगर हम शुरुआत के जो हमारे बच्चों के ये जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, मैं आपके पास साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आपको बीच में टोक रहा हूँ, बहुत काम की आपने बातें की साइकोलॉजी के हवाले से, इनका हल क्या है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, ये मैं आपके पास आता हूँ। जैद भाई, आपसे जानना चाहता हूँ कि इनका ये जो प्रॉब्लम सभी डॉक्टर साहब ने इस एज के बच्चों की बताई, इनका हल इस्लाम में क्या है? देखिए, मैं ये इससे पहले जो दो कैटेगरीज बताया डॉक्टर साहब ने कि एक है पुअर और एक है बिल्कुल एलीट, ये दोनों तबके के लिए सोल्यूशन है हमारे पास। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अजब अल अमरिल मोमिन, मोमिन का मामला कितना अजीब है, उसके हर हाल में खैर है। वलई सदा का लिहादिन इल्ला लिल मोमिन, ये किसी के साथ नहीं है, सिर्फ बिलीवर के साथ है। इन असाबतु सर्रा, अगर उस पर खुशी आती है, शकर फकाना खैर लहू, शुक्र करता है वो अल्लाह का, उसके लिए अच्छा होता है, घमंड नहीं करता, शुक्र करता है। वो इन असाबतु दर्रा सब्र फकाना खैर लहू, अगर परेशानी आती है और वो सब्र करता है, वो भी अच्छा होता है। तो हम देखते हैं जब एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में मकसद मिल जाता है, तो ज़िंदगी के अप्स और ज़िंदगी के डाउन्स, ये दोनों से एक इम्यूनिटी हो जाती है। उसे पता चलता है ये अप्स जो मुझे मिल रहे हैं ये भी एक आजमाइश है, और जो डाउन्स मिल रहे हैं ये भी आजमाइश है। अब यहाँ कई बार ऐसा होता है कि कोई शख्स है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई है पैदाइशी तौर पर कमज़ोर जी जी, और कोई है जो पैदाइशी तौर पर कम शक्ल, या कोई है जो एक पुअर फैमिली में है या झोपड़े में रह रहा है, तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला अलग अलग तरह से आजमाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और इसमें हमें आंसर मिल रहा है अपने बहुत सारे क्वेश्चंस का, और जो सेकंड पार्ट था जो अलग अलग कैटेगरीज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये दुनिया क्या है आखिरत के सामने, सिवाय ये कि तुम अपनी उंगली समंदर में डुबाओ, देखो क्या लेकर आएगी। तो उंगली समंदर में डुबाई, ये है दुनिया, और जो समंदर जो है वो है आखिरत। अब यहाँ पर किसी के अंदर कोई पर्टिकुलर टाइप का डिसऑर्डर है, उसे थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। अब वो सब्र जो करेगा उसको उसे अजर भी मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक अमीर आदमी है जिसके पास पैसा है, उसे ज़कात देना पड़ेगा ताकि वो पास हो। गरीब के पास पैसा ही नहीं है, वो तो ऐसे ही पास है, उस मामले में उसे फेल होने का चांस नहीं क्योंकि पैसा था ही नहीं। अब यहाँ एक शख्स है जिसके अंदर कुछ एक इंट्रेंसिक डिफ़िकल्टी थी और उसे थोड़ा ज़्यादा सब्र करना पड़ा, लेकिन ये चीज़ में अगर उसे ज़िंदगी का मकसद मिल जाता है अपने, तो उसके लिए बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी उस प्रॉब्लम को फेस करने में, उस प्रॉब्लम से फाइट करना, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर उसे अपनी ज़िंदगी में ये एक मकसद मिल जाए। और ऑफ़ कोर्स पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अल्लाह ताला अलग अलग तरह से इंसानों को बनाता है और हमें अल्लाह ताला आजमाता है। कई बार पेरेंट्स के लिए आजमाइश बनते हैं उनके बच्चे और वो इस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने प्यार को सबसे ज़्यादा गालिब समझते हैं, हालांकि उनके लिए अल्लाह की मोहब्बत, कि अल्लाह ताला ने जो मेरे मालिक ने मुझे कहा वो सबसे ऊँचा होना चाहिए, और जो मालिक की नाफरमानी कर रहा है अगर बच्चा, तो वहाँ पे बच्चे को प्यार में बिगाड़ना नहीं चाहिए। और प्यार में अगर देखें, और कई बार ये प्यार ही होता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अटेंशन लोग सॉल्व नहीं करते हैं, जैसे कि केस हमने खुद सुना, तो ये एक और फैक्टर हम देख सकते हैं। सच्ची बात है। मैं आप ये ऐड करूँ कि अगर हम उस बच्चों को सर के पास लेके जाए या कोई भी साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाए, उनकी गाइडेंस से अगर वो प्रॉब्लम वहीं से अगर सॉल्व करें, तो आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल कुरान की आयत है, फसलू अहल दिक्री इन कुंतुम ला तालमून, पूछो जानने वालों से अगर तुम नहीं जानते, अगर तुम्हें नहीं पता है, तो जो स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स उस फील्ड के होते हैं, यू आस्क देम, ये कुरान ने खुद सिखाया है। तो उनका सजेशन, रिकमेंडेशन जो भी है, जैसे भी एडवाइस देते हैं, उनकी अगर एडवाइस पे हम चलेंगे, तो ये बच्चे की जो काबिलियत है वो हम अच्छी तरह नर्चर कर पाएंगे और वही बच्चे आने वाले कल का मुस्तकबिल का अच्छे बच्चे बन सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम उस एज के अंदर माँ बाप का एंटीना खुला हो, ऑन हो कि यस, ये बच्चे को काउंसिलर्स की ज़रूरत है या साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। वो बच्चा, सर ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि अगर उस माँ ने उस उम्र में अगर सर की बात मान ली होती, तो बच्चा जो है वो ड्रग्स के अंदर नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब के पास हम जाएं ट्रीटमेंट जानने के लिए ऐसे बच्चों का, जो अलग अलग कैटेगरीज आपने बताई जो मुस्तकबिल में ड्रग्स का शिकार हो सकते हैं, उससे पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर पेरेंट्स के पास ये जानकारी हो जो भी हमें डॉक्टर साहब ने दी और हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई, कि आपका बच्चे में अगर ये निशानियाँ मौजूद हैं तो वो ड्रग्स की तरफ जाने के चांसेस हैं, अगर ये निशानियाँ मौजूद हैं तो उसके जाने के चांसेस हैं, ये हाइपर है तो ऐसा ऐसा, इन बच्चों की परवरिश करने में हमारे नाज़रीन या उनके माँ बाप, इस किस्म के बच्चों के माँ बाप क्या क्या एहतियात बरत सकते हैं परवरिश को लेके, उनके घर के अंदर जो वो परवरिश करते हैं या घर से बाहर ले जाने में जो परवरिश करते हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल वो उनको अपने घर के अंदर दे सकते हैं डॉक्टर साहब तक पहुँचने से पहले तक? देखिए, बच्चे का पहला स्कूल या यूनिवर्सिटी जो माँ बाप होते ही हैं, उसका घर ही स्कूल है। घर का माहौल, जैसे आपने कहा कि सब्र शुक्र करना चाहिए, ये हदीस है,
लेकिन मैं बोलता हूँ कितने घरों में ये बात पे अमल होती है, कितने घरों के बच्चे मदरसे में जाते हैं, क्या उनके घर में कोई मदरसा पढ़ाता है कोई? मैं 50% लोगों को जानता हूँ कि मैं इस्लाम है सिर्फ नाम के मुसलमान होंगे, घरों में ये सबसे कीमती गिफ्ट जो माँ बाप दे सकते हैं अपने बच्चों को वो है अपने इस चीज को पहचानना, अपने मालिक को पहचानना, इस्लामिक माहौल बनाओ तो कम से कम सुधरे। दूसरी बात है कि स्कूल के पीटी मेंबर होते हैं, स्कूल में हमारे डॉक्टर साहब ने हमारे जो एरिया में साउथ बॉम्बे में हर एक स्कूल में काउंसलिंग का लेक्चर होता है, पेरेंटिंग का लेक्चर होता है, तो स्कूल अटेंड करो, वहाँ मीटिंग अटेंड करो, अपने बच्चों में देखो, उनकी नज़रों में देखो क्या किधर जा रहे हैं, उनके दोस्तों को अहबाब को देखो, उनके दोस्त को देखो किस दोस्त किस माहौल में बड़ा हो रहा है, वो आए घर में स्कूल से आए तो उसके बैग को चेक करो, उसके बिलोंगिंग को चेक करो क्या ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इस तरह से फिर बच्चों को नज़र रखना, नज़र से देखना, नज़र रखना मतलब क्या गलत के कहीं जाने रहा है। हम तो छोड़ दिए, पैसा दिया, 100 रुपया दे दिया, सुबह में स्कूल जा रहा, 100 रुपया दे दिए, 100 का क्या किया वो कभी नहीं पूछते तक नहीं क्या किया बेटा, तो जो मांगा दे दिए, उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए माँ बाप को, हमें चेक रखना पड़ेगा। भी मैं समझता हूँ कि एज ए काउंसिलर हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, तो मेरा एक जाप्ता है, एक फार्मूला है कि मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि मेरे बच्चे के साथ में मुझे एक जमात नमाज अदा करनी है। क्या बात है, बहुत अच्छा। मुझे अपने बच्चे के साथ में हाथ डाल के उसको ले जाना है। खुद पढ़ेगा माँ बाप तो ना, खुद नहीं पढ़ता, नहीं बच्चों पढ़ता। चलते चलते मेरे बच्चे के साथ में मेरी बात करनी चाहिए कि आज दिन भर में मेरे साथ में क्या हुआ है। जब मैं मेरे बच्चे के साथ में आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा तो मेरा बच्चा भी मुझे पढ़ेगा, डैड मेरे साथ में भी ऐसा हुआ, डैड मेरे को भी ये फ्रेंड। बहुत बहुत अच्छी बात है। नाउ आपका कम्युनिकेशन जो है वो उससे गैप नहीं आएगा, गैप बढ़ेगा, क्योंकि आज का कम्युनिकेशन स्टाइल हमारा बदल गया है। हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल हो गया व्हाट्सएप, इंटरनेट, फेसबुक, ये हमारा हो गया है। हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं सर के मम्मी उसको व्हाट्सएप पे बोलती है कि फूड इज रेडी, डाइनिंग टेबल इज रेडी, प्लीज कम एंड स्टार्ट फूड, कम नाउ, व्हाट्सएप पे बोलते वो। तो हमारा ये तो कम्युनिकेशन का माध्यम रहेगा। दूसरा, अगर मैं मेरे बच्चे से बताऊंगा कि मेरे साथ में ये हुआ तो मेरा बच्चा भी मुझे बोलेगा कि ये साथ में हुआ है। मेरे बच्चे की जो फिजिकल नीड है ड्यूरिंग नर्चरिंग, मुझे उसको फिजिकल टच देना ही चाहिए 24 घंटे के अंदर 12 मिनट, कम से कम 10 मिनट फिजिकल टच देना चाहिए, चाहे वो हग हो, चाहे वो पैट हो, चाहे उसको किस हो, चाहे रात में सो गया हो उसके सर पे दुआएं पढ़ के हाथ फेरो, एनी वे यू हैव टू टच योर चाइल्ड फिजिकली 10-12 मिनट्स एवरी चाइल्ड। अगर आपको चाहिए कि उसकी, क्योंकि अगर उसकी फिजिकल नीड, इमोशनल नीड, इंटेलेक्चुअल नीड, फाइनेंशियल नीड ये पूरी नहीं होगी तो वो ढूंढने जाएगा कहीं ना कहीं, अगर मुझे ये यहाँ नीड पूरी नहीं होती है तो मेरे ये जो फ्रेंड है वो मेरी नीड पूरी करता है। राइट। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब वो बच्चों के पास जाते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिमु सिबियान अल अंसार, अंसार के बच्चों को सलाम करते, वयमसहु अला रुउसिहिम, और उनके सर पर हाथ फिराते। ये हदीसों में हम खास मेंशन देखते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हें दिल में सख्ती महसूस हो तो यतीम के सर पर हाथ फिराओ, तो वो टच को खास मेंशन हम देखते हैं उसका। फिलहाल इस्लाम ने तो बेसिक ये रूल दिया है कि बच्चे सबसे प्रेशियस इन्वेस्टमेंट है माँ बाप के, कि कल माँ बाप दुनिया में नहीं रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे, और ये उनका सदका जारिया है, सदकतुल जारिया उनके लिए बन सकते हैं, सही मुस्लिम की हदीस। तो जब इतना प्रेशियस इन्वेस्टमेंट है तो उनके साथ टाइम तो स्पेंड करना होगा। और जब मैं मेरे बच्चे की आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा दिन में 10 मिनट, आंखों में आंखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आई बॉल के पीछे भी उसके प्रोसेस क्या चल रहे हैं, मुझे एज ए फादर, एज ए मदर, मुझे वो भी समझ में आएगा कि मेरा बच्चा ये सोच रहा है, क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा कनेक्शन जो इमोशनल कनेक्शन, क्योंकि एक बात तो एकदम तयशुदा है कि मेरा और मेरे बच्चे का इमोशनल कनेक्शन कहीं ना कहीं लूज हुआ तो बीच में शराब घुस गई, सिगरेट घुस गई, एक्स वाई जेड कुछ भी घुस गया, अगर मेरा बच्चे का कनेक्शन मेरे साथ में इमोशनली बहुत स्ट्रांग है तो कम से कम उसके जो परसेंटेज है वो कम हो जाएंगे ये सारी चीज के अंदर मुब्तला होने के लिए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। डॉक्टर बद्री आलम सैयद, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा आवाम के लिए। अफकोर्स मैं जानता हूँ, माशाल्लाह आपने जिस तरीके से परवरिश की है, आपके 3 बच्चे डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक अभी MBA हो रहा है, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि आपका कोई जो बोलता है ना सीक्रेट फार्मूला, जिस तरीके से आपने आपके बच्चों को, क्या एक मैसेज देना है? पहला तो मैं बताऊंगा ABCD। ए से आँख होती है,
आंखों में आंख, जैसे डॉक्टर घबराने से कहा आंखों में आंख देखिए, तो आंखों आंख में डाल के बात करना, सुबह में उनको मिलना, सलाम दुआ करना, स्कूल जाते टाइम देखना, स्कूल में हफ्ते में 15 दिन के अंदर या हफ्ते में एक बार स्कूल में जाके चेक करना कि स्कूल जा रहा है कि जा रहा। मैं बता रहा हूँ, बड़े बच्चे जब हो गए SSC के बाद में, स्कूल तो मैं खुद जाता था, लेके आता था उनको मैं, लेकिन कॉलेज में 15 दिन के अंदर मैं कॉलेज में सिक्योरिटी जाके पता करता था क्या रेगुलर अटेंडेंस है कि नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैं घर पे आके पूछता था, एक बार कुछ बच्चे एक बार मिस भी किए होंगे तो बताया नहीं मैंने, उसके दोस्त लोग बताए कि तुम्हारे डैडी आए थे, और फिर उसके बाद में दोबारा उसने अटेंडेंस बंद नहीं, मतलब रेगुलर कॉलेज ज्वाइन किया, बिना डांटे बिना कुछ बोले उसने सुधार लाया था। माशाल्लाह मेरी एक बेटी नायर में MBBS फाइनल ईयर में है, वो तो बिल्कुल उसको बोलना भी नहीं पड़ा, उसको रेगुलर मतलब पहले से जब थर्ड से थी जब ही से ही वो नीचे खेलने तक कभी नहीं गई। घर का माहौल माशाल्लाह दीनी माहौल रखा, मेरे वालिद साहब भी रेगुलर इंस्ट्रक्शन देते थे कि दीनी माहौल छोड़ना नहीं, दीन है पहले, दुनिया है आखिरत दोनों, लेकिन दुनिया के लिए भी करो नहीं आखिरत का भी करो, तो आखिरत के लिए भी करना था और दीन के लिए भी करना था। जैसे बताया कि एक समुंदर में डाले तो जितना कतरा, तो आखिरत का पूरी समुंदर है जी, और जी, दीन जी। तो दुनिया में 50, 60, 100 साल कितना आदमी दिएगा। नाज़रीन, दीन और दुनिया को एक साथ लेके चलना है, दुनिया से ही दीन की फलाह और बहबूदी और कामयाबी मिलती है। जैसा कि जैद भाई ने हमको बताया कि जैसे समंदर में उंगली डाल के बाहर निकालिए तो जितनी उंगली भीगती है ये दुनिया की मिसाल उतनी है, और सामने जो समंदर है आखरत की मिसाल वो है। हम बात कर रहे हैं नशे की, हम बात कर रहे हैं ड्रग्स की, और ड्रग्स में फंसे हुए अपनी नौजवान नस्ल और अपने नौजवान बच्चों की। हमको डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि कम्युनिकेशन गैप है, और कम्युनिकेशन गैप इस हद तक है कि माँ बच्चे को डाइनिंग टेबल पर बुलाती है व्हाट्सएप के ज़रिए। डॉक्टर साहब, आप मुझे इन तमाम मसाइल का हल बता रहे थे कि ये जो 4 कैटेगरीज आपने बताई बच्चों की, साइकोलॉजिकल, कि कौन कौन बच्चे नशे की तरफ जा सकते हैं। इस तरह के बच्चे जब आप तक आते हैं, मैंने दोनों अपने मेहमानों से बात की कि इस तरह के बच्चों को घर पे कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल, लेकिन जब वो आपके पास आते हैं वो शिकायत लेके, जैसे वो एक माँ आई और आपने उसे एडवाइस किया वो नहीं कर पाई, तो आप उनके साथ किस तरह ट्रीट करते हैं और क्या एडवाइस देते हैं उन बच्चों को के माँ बाप? तो जैसे मेरे आने के पहले रोल है दीन का, पेरेंटिंग का, काउंसलर का, बल्कि मैं कहूँगा आपके साथ भी है, हम हाँ, साथ में ही हैं हाँ, क्योंकि इल्म नाफिया बेनिफिशियल नॉलेज, आपकी नॉलेज बेनिफिशियल है, ऑफ कोर्स आखिरत की नॉलेज सबसे बेनिफिशियल है, अल्लाह इज ऑल नोइंग, और बेस्ट साइकोलॉजी आपको कुरान में मिलेगी और हदीस में मिलेगी, जो बिल्कुल एज मुस्लिम डॉक्टर्स एवरी वन कैन अल्हम्दुलिल्लाह यूज ऑल ऑफ दैट, जज़ाकल्लाह, कैरी ऑन। तो आज समझो ना कि इतना माहौल बिगड़ा हुआ कि डेली कम से कम 20 से 25 बच्चों को लाया जाए, मैं बच्चे कहूँगा क्योंकि 90% यंग जनरेशन के बच्चे पेशेंट्स बन के आ रहे हैं, अल्कोहलिक्स और जो यू नो पुराने जो है वो लेट एज में आते हैं, राइट। तो जब आते हैं हमारे पास, एक हमारे असिस्टेंट डॉक्टर्स होते हैं, पहले पूरी पूरी हिस्ट्री लेती, चाइल्डहुड के पहले भी माँ के कोख में क्या था, माँ बाप यानी बचपन में कैसे रहे, माहौल कैसे रहा, तो पूरी एक हमारी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री टेकिंग होती है, वो पूरी हिस्ट्री ली जाती है, वो हिस्ट्री के बाद पेरेंट्स के साथ अलग इंटरव्यू, बच्चे के साथ अलग इंटरव्यू, बच्चे का पूरा चेकअप करते हैं, मेडिकली फिजिकल चेकअप, कुछ यू नो कौन सा नशा वगैरह ले रहा है, बॉडी में क्या डैमेज हुआ, वो सब चेकअप होता है, उसके बाद साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है, कुछ हमारे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है बच्चे की मानसिकता समझने के लिए, फिर एक हमारा डायग्नोस्टिक प्रोफाइल होता है कि बच्चे के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आए हैं, मेडिकली क्या डैमेज हुआ, क्या क्या नशा ले रहा है, साइकोलॉजिकली क्या है, सोशली क्या है, पर्सनैलिटी कैसी है, माहौल कैसा है, ये सब जब हो जाने के बाद ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ इमरजेंसी में उन्हें एडमिट करना पड़ता है, कभी कभी तो हमें होम विजिट करके, इतना वायलेंट होता है, इतना साइकोटिक हो जाता है वो नशे की वजह से कि हमें घर भी जाना पड़ता है, हमारे डॉक्टर घबरानी हमारे डॉक्टर्स जाते हैं वहाँ एग्जामिन करके, कभी कभी इंजेक्शन वगैरह दे करके भी ऐसी भी हालत होती है। तो जब ट्रीटमेंट प्लान होता है, भी एक होता है कि भाई या तो इन्हें एडमिट करना या ना करना, बहुत सारे ऐसे केसेस है जब शुरू शुरू में आते जल्दी, अगर 6 महीने के अंदर अंदर आए ना तो बहुत अच्छे चांसेस है कि हम OPD बेसिस पे हम उनका इलाज करें, जहाँ पर उन्हें हमें आफ्टर डायग्नोजिंग उन्हें दवाई भी दी जाती है और इन्हें काउंसलिंग भी होती है ना? और इन्हें ग्रुप एक्टिविटीज़ होता है, इन्हें ग्रुप थेरापीज वगैरह होती है, तो ये कंटिन्यूस हम एडवाइस देते हैं कि एटलीस्ट 5 ईयर्स 5 साल तक ये हमें करना चाहिए। अभी जो केसेस यानी पानी जो बोलते हैं ना सर के ऊपर चला गया है कि अब उन्हें
घर में इम्पॉसिबल है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही नशा कर रहा है, बहुत ज़्यादा अडिक्ट हो चुका है, ये खुद से नहीं छोड़ सकता। और कभी कभी खुद से छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ कुछ नशा ऐसा है, जैसे अभी एक बच्चे को घर वालों ने पता चला कि नशा कर रहा है, उन्होंने बंद कर दिया घर, बंद कर दिया तो तीसरे दिन उसको आ गई बहुत सारी बहुत बुरी तरीके से फिट्स आई, तो उसके ना जबान कट गई, दांत टूट गया वगैरह वगैरह, इमरजेंसी में जाना पड़ा। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक बीमारी है नशा, तो ना उनको राइट सेटअप पे ले जाना बहुत ज़रूरी है जहाँ इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल हो। अच्छा, नशे की कोई एक ऐसी स्टेज भी आती है क्या कि जहाँ डॉक्टर हाथ पैर खड़े कर देते हैं और बोल देते हैं अब इसका इलाज नहीं हो सकता? मैं तो नहीं ऐसा कहूँगा कि ऐसा कोई केस होगा जहाँ मैं कहूँगा कि ये ला इलाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नल्लाह लम यदा दान इल्ला वदा लहू शिफा, अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं रखी लेकिन उसके लिए शिफा भी रखी। तो ये जो एडिक्ट हो गया है, ये उसका एक तरह से नॉर्मल से वो नॉर्मल कोर्स से हट चुका है, वो एक तरह का बीमार ही है, उसका भी इलाज है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इस चीज़ के ताल्लुक से नहीं जानते हैं, तो अल्लाह के इतना एहसान है कि जहाँ ये फंसने का रास्ता है तो बचने का रास्ता भी है, ताकि जो लोग बच के निकलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बचा कर सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक रास्ता है। अच्छा, मेंटली नहीं फिजिकली ऐसा हो, जैसे शराब में हम अक्सर देखते हैं लीवर इतना डैमेज हो गया कि क्यूरेबल नहीं है, लीवर ट्रांसप्लांट अभी आ गया है, इलाज है। यानी अभी वो, यानी बहुत से लोग बोलते हैं ना कि नहीं नहीं उनको देना ही पड़ेगा अफीम, एक वक्त ऐसा था जहां लाइसेंस दिया जाता था, वही मैं पूछना चाहता हूं, अब नहीं, अब हमारे पास उसकी तोड़ की भी दवा आ चुकी है, जो बहुत ही जो अफीम के बगैर जो जी नहीं सकता उनके लिए भी मेडिसिन आ चुकी है, हाँ ब्यूप्रेनॉर्फिन आ चुकी है, मेथाडोन आ चुका है, अल्कोहलिक्स भी जो लोग यानी कि अगर नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है, उनको भी हम लोग एडमिट करके डिटॉक्सिफिकेशन। अब जो जहाँ पे ये बात आई तो मैं कहूँगा फेजेस ऑफ ट्रीटमेंट, पहला मैंने जो कहा ना वो फेज वन पूरा इवेल्युएशन वगैरह प्लान ऑफ ट्रीटमेंट, हाँ ओपीडी ट्रीटमेंट, इंडोर ट्रीटमेंट, अगर इंडोर ट्रीटमेंट होता है तो पहले डिटॉक्सिफिकेशन होता है उनका, पूरे बॉडी में से सिस्टम में से वो चीज़ को निकालते हैं, और जब वो चीज़ नहीं मिलती तो विड्रॉवल फेज जो आता है उस चीज़ का इलाज किया जाता है। ये तकरीबन एक हफ्ते से दो हफ्ते का ये ट्रीटमेंट होता है। ये ट्रीटमेंट हो जाने के बाद कुछ केसेस ऐसे भी है कि जिन्हें रिहैब में शायद जाना ना पड़े, हाँ डिटॉक्सिफिकेशन के बाद इतने मोटिवेटेड है कि उन्हें हम होम बेस्ड ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, और कुछ ऐसे केसेस है कि जिन्हें रिहैबिलिटेशन में भेजना पड़ता है। रिहैबिलिटेशन एक महीने से लेकर के कुछ कुछ सेंटर्स में डेढ़ डेढ़ साल तक भी रखते हैं। हमारा जो सेटअप है मसीना हॉस्पिटल, वहाँ हम तीन महीना रखते हैं। जो नॉन अफोर्डिंग लोग हैं, यहाँ मैं ये आपके माध्यम से कहूँगा, हमारे देश में हमारा हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा है, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी हर जगह जो नॉन अफोर्डिंग है उनके लिए भी, जिनके पास बिल्कुल एक पैसा भी ना हो तो उनके लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे हमारा मुंबई में स्टेट गवर्नमेंट का GT हॉस्पिटल डी एडिक्शन सेंटर है, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का KM हॉस्पिटल, वहाँ पर भी डी एडिक्शन सेंटर है, अंधेरी में भी है, हाँ भरदावाड़ी में, और बहुत सारे रिहैब, जैसे हमारे डॉक्टर बद्रे आलम सैयद साहब, इनका बंगला है मुरबाद में, जब ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था कि ये हमारे पास जगह नहीं होती थी, तो इन्होंने अपना बंगला ही जैसे बना दिया कि अरे वहाँ पे हम लोग, और ये इस्लामिक तरीके से बचपन से वापस बड़ा कर रहे, तो वो वाला सिस्टम होता है हमारा रिहैबिलिटेशन का। उनको हम जैसे हो गया था ना कि ये बच्चे इंजॉयमेंट के लिए यहाँ चले गए, अब हम इन्हें सिखाते हैं कि भाई इंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें, हमारे माँ बाप का साथ, हमारे अच्छे दोस्तों का साथ। देखो फाइनली बहुत से माँ बाप आते हैं ना कि दोस्ती की वजह से गया, मैं नहीं मानता हूँ, ये जैसे आपने भी कहा ये इंटरनल प्रॉब्लम है, ये उसके अंदर इंटरनल प्रॉब्लम था तो उसने वो दोस्त के पास गया। अच्छा, ये मैं आपको टोक रहा हूँ, ये जो इंटरनल प्रॉब्लम बहुत बार अभी हमारे डिस्कशन में आया वर्ड, ये इंटरनल प्रॉब्लम अंदर से आने वाली प्रॉब्लम, ये कोई इनबिल्ट चीज है या ये किसी स्टेज पे अंदर पहुंच जाती है? इनबिल्ट यानी जब, या तो मैंने जैसे कहा बहुत सारी चीजें हेरिडिटरी जेनेटिक्स भी होती है, हाँ बहुत सी हमारे यू नो न्यूरोकेमिकल प्रॉब्लम्स, हमारी पर्सनालिटी, हमारे अंदर का जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सब होता है, उसके बाद इन्वायरमेंट आता है।
तो कुछ हो गए ना, जैसे ये मैं कहूँगा कि मैंने ऐसे भी बच्चों का इलाज किया कि जो यू नो माँ बाप सोचते कि अभी हम इनको मदरसा में डाल देंगे, उनको मौलाना बना देंगे, मगर वो प्रॉब्लम है ना उनके अंदर, तो वहाँ जाकर भी वो नहीं बन पाए, वहाँ जाकर भी वो बेचारे नशे के अंदर ही गए, तो ये चीज़ का भी हमें तो हम ये देखते हैं कि मेरे पास जो अवेलेबल लेटेस्ट मुझे जो मिल पाई स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर ये फिगर मिला कि तकरीबन इंडिया में 580 रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, 580, लेकिन करोड़ों की तादाद में ड्रग एडिक्ट्स है, और कई ड्रग एडिक्ट्स को ज़रूरत पड़ती है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि रिहैब सेंटर में वो रहें और वहाँ से वो जैसे बाहर निकलें इस प्रॉब्लम से। तो जिस तरह से मुस्लिम्स ने खिदमत खल्क के तौर पर एहसास हुआ कि हमें अलग अलग चीज़ों के कायम करने की ज़रूरत है, तो मैं ये एक अपील कर रहा हूँ सारे वो कंसर्न लोगों से कि इस तरह के रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कायम करने की ज़रूरत है, जहाँ ईमान की ताकत के साथ साथ मॉडर्न मेडिकल अवेलेबल नॉलेज को भी इस्तेमाल किया जाए, एक्सपर्ट्स के साथ में गाइडेंस में वैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कायम करने की सख्त ज़रूरत है, ताकि ऐसे सारे केसेस की जिंदगियों को बचाने की बात है। और कुरान की आयत जो है सूरह मायदा सूरह 5 आयत नंबर 32 कि वमन अहया फकान नमा अहया नास जमीअ, एक जान को बचाना ऐसा है जैसे सारे इंसानों को बचा लिया, तो ये तो जान बचाना ही है ये हकीकत में। जैसा आपने अच्छा बताया कि आपके रिकॉर्ड के हिसाब से इंडिया में सिर्फ 580 रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि पिछले कुछ 2-3 सालों में मुंबई के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे रिहैब सेंटर बन गए, एक तो ज़रूरत के हिसाब से, और अनफॉर्चुनेटली किसी के पास जगह थी, कोई एक थोड़ा सा रिफॉर्म्ड अडिक जो होता है ना, काउंसिलर होता है ना वो, तो उन्होंने शुरू कर दी। कोई एक प्रॉपर नॉर्म्स हमें चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, जहाँ पर मेडिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल और जैसे दीन को साथ में ले करके कोई जो भी मसलियत का हो, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। सैयद भाई आप कुछ कहना चाहते थे? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने बात तो की ड्रग्स के ताल्लुक से, लेकिन इस चीज़ के ताल्लुक से हमें ये प्रॉब्लम कम्युनिटी के तौर पर सॉल्व करना होगा। इंडिविजुअली बहुत सारा एक्शन हमने देखा, प्रिवेंटिव एक्शन देखा, लेकिन जो हमारी कम्युनिटी में और अलग अलग एरियाज में ये जो ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है, ये खुद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। राइट। तो मेरे सामने एक मिसाल आई थी, एंड आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट बॉम्बे का एक इलाका है जहाँ की कम्युनिटी के लोगों ने अपना फुट डाउन कर लिया कि ड्रग पेडलर्स को हम लोग अपनी पूरी एरिया में आने नहीं देंगे। क्या बात है, क्या बात है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रग पेडलर्स खाली अकेले काम नहीं करते हैं, उनके साथ सारी मशीनरीज मिली हुई होती है, बहुत बड़ा उनका एक माफिया होता है उनके बैकअप में। आम इंसान कई बार डरते हैं कि हम इनसे कहां अपना पंगा ले में अपने काम से काम लूं, लेकिन सही बात तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो अपने पड़ोसी को डिफेंड करते हुए मारा गया वो भी शहीद है, हा? और जो अपने खुद की प्रॉपर्टी को बचाते हुए मारा गया वो भी शहीद है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस्लाम ने कंसेप्ट बहुत बड़ा बताया, भाई मरना तो एक दिन है, सबको है, और जो चीज़ आनी है वो आनी। तो यहाँ ये जो डर डर के लोग जो ज़िंदगी बिताते हैं और अपने एरिया की बुराई को रहने देते हैं, और हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर एरियाज में पुलिस एक्शन में भी कुछ डिफरेंस पाया जाता है, जो कॉज बनता है क्यों उस एरिया में ज़्यादा ड्रग पेडलर्स पहुँचते हैं और ज़्यादा ड्रग एडिक्ट क्रिएट होते हैं। तो हम कहते हैं यहाँ पे कम्युनिटी को ये समझना चाहिए कि लॉज है, पुलिस भी हेल्प करना चाहती है, पुलिस को कोऑपरेशन चाहिए, पुलिस को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उसमें कंसर्न्ड एक्शन में साथ दे उनका। पूरे कानून है जो ड्रग पेडलर्स के खिलाफ है, ड्रग की अवेलेबिलिटी करने के खिलाफ है, वो सारे कानूनों को जानते हुए क्लियरली मैं ये एक अपील करता हूँ सारे वो कंसर्न्ड इंडिविजुअल्स को कि ये कोई छोटा प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम को अगर रोका नहीं गया तो बहुत दूर नहीं है कि घर घर में ड्रग एडिक्ट्स मिलेंगे, और बल्कि वैसे टाइप के केस हो चुके हैं इंडिया के सिलेक्ट इलाकों में। आप अगर ईस्टर्न स्टेट्स को देखें या पंजाब का हाल देखें, तो वहाँ पे ये एक्चुअल स्टेट हो चुका है कि घर घर में एक आध ड्रग एडिक्ट तो मिलता ही है। लेकिन अगर इस चीज़ को अगर रोका नहीं गया इन टाइम, तो नेक्स्ट जनरेशन या उसकी बाद की जनरेशन के हम डिस्ट्रक्शन को इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रग एडिक्ट बनने वाले कौन सी एज वाले होते हैं, 17-35 के बीच में होते हैं। जी जी, यानी हमारे जो कमाने वाला तबका है, जो हमारा यंग जनरेशन है, जो कंट्री का मेन मैन पावर है, जो मुस्तकबिल है, जो फ्यूचर है, वही डिस्ट्रॉय हो जाता है। बूढ़े लोग जाकर ड्रग एडिक्ट बहुत शायद ही कोई बनता होगा, नहीं बनता। लेकिन मेन जो हमारी यंग जनरेशन ही खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो इफ वी आर नॉट गोइंग टू डू समथिंग अबाउट दिस, वी डोंट नो कल आपके घर में हो सकता है कोई ड्रग एडिक्ट आ जाएगा। तो मैं सारे अपने ब्रदर्स और देखने वाले सारे कंसर्न लोगों को, सारे नाज़रीन से एक अपील करना चाहता हूँ कि इस चीज को हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं आपको उभारता हूँ
कि इस चीज़ को एक कम्युनिटी के तौर पर एक सर्विस समझकर एक बहुत बड़ा एक समझ लीजिए इस्लाम ने जद्दोजहद का एक जो रूल दिया है कि जो अल्लाह की मदद आती है तो वो चीज़ के तहत इसे स्टॉप करने में हिस्सा बनने की कोशिश करना चाहिए, डोंट इग्नोर दिस। या मैं ये कहूँगा जैसे इसमें एक होता है डिमांड रिडक्शन और एक होता है सप्लाई रिडक्शन। तो आपने अभी सप्लाई रिडक्शन के बारे में, मैं इसी हवाले से आ रहा हूँ आपके पास। हाँ। प्रोग्राम अपने खात्मे की तरफ गामजन है और हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है। नाजरीन आइए हम अपने तमाम मेहमानों से एक आखिरी पैगाम लें। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग नशे के हवाले से, ड्रग्स के हवाले से हमारे नाजरीन को, हमारे अवाम को नशा और ड्रग्स से दूर रहने के तरीके और अपनी नौजवान नस्ल को बचाने के ढंग उन्हें बताएं। आइए शुरू करते हैं डॉक्टर तबरानी साहब से। मुझे मेरी फैमिली में देखना है, मुझे नो टॉलरेंस, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट टॉलरेबल। मुझे मेरे पड़ोसी में देखना है, क्योंकि सर ने बहुत वाजे बताया तो अंगार लगी हुई है, आज उसका महल जल रहा है, कल मेरी झोपड़ी भी को भी ले जाएगा ये। जी 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 जी। और घर घर में आ जाएगा। तो मुझे लविंगली फर्म होना है मेरे बच्चे के साथ में, और मुझे ये मैसेज मुझे बच्चे को देना है, मेरे अड़ोस पड़ोस पे देना है जी, मेरी कम्युनिटी के अंदर देने का है। नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट टॉलरेबल, चाहे वो कंज्यूमिंग हो, चाहे वो ट्रैफिकिंग हो, नथिंग डूइंग, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट टॉलरेबल। उसके लिए अगर मैं सिगरेट के अंदर, गुटखे के अंदर, शराब के अंदर मुब्तला हूँ, तो ये चैनल से जैसे सर ने बताया बिल्कुल वाजे तौर पर, अभी इस वक्त मैं अहद ले लूँ कि इस वक्त के बाद में मैं इस चीज़ को टच नहीं करूँगा, और मैं मेरे बच्चे के सामने अच्छा रोल मॉडल बनूंगा, और मैं भी सीधे रास्ते पर रहूँगा, उसको भी सीधे रास्ते पर रहूँगा। जब मैं और मेरा बच्चा दोनों हाथ मिला लेंगे तो अड़ोस पड़ोस वालों को भी मैं आके अपने साथ में मिला लूँगा। हर आदमी बेदार हो जाए, अगर अंदर से जाग जाए, तो इंशाल्लाह ये दिन दूर नहीं होगा कि हमारा समाज, हमारा माशरा जो है वो ड्रग से क्लीन हो जाएगा। क्या खूबसूरत बात की डॉक्टर बद्र आलम सैयद साहब, आपका पैगाम। मैं MD जो आज ड्रग के सिलसिले में कुछ कहना चाहूँगा। मैं MD का फुल फॉर्म मम्मी और डैडी भी है, तो इस मम्मी और डैडी से मैं इंतजार कर दूँगा कि चार चीज़ मुझे बोलना है, ABCD, कि अपने बच्चों में या पड़ोस के बच्चों में या अवाम के बच्चे में या कम्युनिटी के बच्चे में, मोहल्ले के बच्चे में, अगर आप देखते हैं तो ABCD, आँख को देखिए, आँख लाल है, नशीली है, कीचड़ काचड़ है, साफ नहीं करता है, तो समझो कुछ उसमें गड़बड़, नशा कर रहा है। बी फॉर बॉडी, बॉडी देखो कई दिनों से नहाएगा नहीं, बाल बिखरे हुए रहेंगे, दुबला हो रहा हो, अचानक कमज़ोर हो रहा होगा, तो भी समझो कुछ गड़बड़ है। सी से चेक, चेक देयर बिलोंगिंग, चेक देयर स्कूल, कॉलेज में जाके जाता है कि नहीं जाता है, जब घर में आता है तो उसके बाथरूम में कितना टाइम लगाता है, बाथरूम जाके चेक करो, उसके बैग में, पर्स में चेक करो, और अपने आसपास घर में भी चेक करो कोई सामान गायब तो नहीं हो रहा है। अगर घर में गायब सामान हो रहा है, तो चोरी हो रही है, तो समझो कि बच्चे के अंदर कमी है। ऑफिस पर डी आता है डॉक्टर, तो आप अपने आसपास करीब डॉक्टर के पास जाइए या साइकेट्रिक के पास जाइए। मसीना हॉस्पिटल में डॉक्टर माचर साहब का पूरा फुल सेटअप, मसीना में नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं, तो जीटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। मैंने देखा कि वहाँ कैपेसिटी अगर 50 की है तो 60-70 भी नीचे भी रहते, और 85% मुस्लिम बच्चे हैं। आप जो स्टेटस दिखा रहे थे ना मुझे, क्योंकि मसीना भी एडमिशन का है, तो 85% मुस्लिम बच्चे आज आ रहे, और लोअर ग्रुप के अवेयरनेस आ रही है, मतलब और 12 साल का बच्चा भी आया हुआ है कि हम कहाँ डालें, कहीं रख नहीं सकते उसको, रिहैब सेंटर में डाल नहीं सकते, ना हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते, चिल्ड्रन रूम में, रिमांड रूम में डालना पड़ेगा उसको, ऐसा है। नाज़रीन ABCD हल्दिया डॉक्टर साहब ने। जैद पटेल साहब। मैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ूंगा और दो बातें कहूँगा। सही मुस्लिम में हदीस है, मन रा मिन को मुनकरन, तुम में से कोई अगर मुनकर चीज, बुरी चीज, गलत चीज होते देखे, फल युगर भी यदि, हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको, वह इलम यस्तति, हाथ से रोकने की अगर इस्तेतात और कैपेसिटी नहीं है, फबी लिसानी, तो जुबान से बुरा कहो, वह इलम यस्तति, और अगर वो भी ताकत नहीं है, फबी कल्बी ही, तो दिल में बुरा समझो, ये ईमान का सबसे कम दर्जा है। मैं आपसे अपील करता हूँ, अभी ईमान के टॉप लेवल से काम लेने की ज़रूरत है। आपने स्टैटिस्टिक्स सुने, 85% गुलाम आज के ज़माने में एक आज़ाद आदमी को नहीं बना सकते हैं, लेकिन ड्रग एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि एक आम फ्री इंसान गुलाम बन जाएगा, उससे जो कराना करा सकते हैं, एक बार वो ड्रग एडिक्ट बन गया।
वो पेडलर के आगे जो उसका सप्लायर है उसके सामने वो एक गुलाम की हैसियत रखता है। तो इस गुलामी से बचाइए आज़ाद इंसानों को, इंसानों को दरिंदों का शिकार होने से बचाइए। इस्लाम ने दुनिया के इंसानों को रोशनी दी, इस्लाम ने दुनिया के इंसानों के लिए रहमत पहुँचाई, रहमतुल आलमीन का यही पैगाम था। इस गलत चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों और मेरी बहनें इस चीज़ के सॉल्यूशन का हिस्सा बनने की कोशिश करें। डॉक्टर माचिसवाला साहब, हम हर बीमारी के बारे में ये सुना है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कोई भी चीज़ प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। आज कहते हैं ना कि हमें अगर हार्ट डिजीज़ नहीं चाहिए तो शुरुआत से हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, डाइटिंग करना चाहिए, वक्त पर सोना चाहिए, वक्त पर उठना चाहिए, सिंपल खाना खाना चाहिए। उसी तरीके से ये भी एक बीमारी है, साइकोलॉजिकल इलनेसेस भी जो एक बीमारी होती है, हमें उस चीज़ को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर प्रिवेंशन नहीं होता है और अगर शुरू हो भी जाती है तो मैं माँ बाप से कहूँगा कि प्लीज़ वॉर फुटिंग, यानी समझ लीजिएगा कि एक जंग हो गई है हमारे बच्चे के अंदर, और वो वॉर फुटिंग में वो बच्चे को हमें बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, मेडिकल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई नहीं, हमारा बच्चा सुधर जाएगा, उसने प्रॉमिस किया है, हाँ अभी नहीं करेगा। माँ बाप जल्दी हमारे बच्चे की ऐप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं। तो प्रिवेंशन करो। माँ बाप से ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आप खुद लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बनिए, ताकि हमारे बच्चे भी जो यू नो वो लोग भी सीखे। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चा अंडर एज है और हम उसको मोटरसाइकिल दे देते हैं। डॉक्टर घबरानी हमेशा कहते हैं वांट एंड नीड, बच्चे की जो ज़रूरत है ज़रूर हमें हमारी हैसियत के हिसाब से पूरी करनी है, मगर बच्चे को ओवर पैम्परिंग करना नहीं चाहिए। बच्चे को डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के अंदर अगर कोई भी आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा, उसका वक्त पर इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे टीचर प्रोफेसर डॉक्टर एलन डिसूजा लेट कहा करते थे, मैं पूछता था कि प्रिवेंटिव साइकेटिक प्रॉब्लम को प्रिवेंट कैसे करें, तो उनका ये कहना था कि चाइल्ड साइकेट, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक्स होनी चाहिए, हर स्कूल्स कॉलेजेस में काउंसिलर होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मस्जिद वगैरह में भी, जहाँ मदरसा वगैरह है वहाँ पर भी काउंसिलर्स होना चाहिए। मैं कई अभी हमारी इस्लामिक स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल्स आ गई है, वहाँ देख रहा हूँ कि अभी वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर की काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। नाज़रीन, मैं डॉक्टर माचिसवाला, डॉक्टर घबरानी, डॉक्टर बद्र आलम सैयद और जैद खालिद पटेल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और इतने अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हमारे साथ गुफ्तगू की। नाज़रीन, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। आइए हम एक दूसरे से अहद करें, वादा करें कि हम अपने घर में, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, जहाँ कहीं ड्रग पेडलर को देखेंगे या ड्रग के शिकार किसी बच्चे को, किसी इंसान को देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा करें, एक ऐसा जज्बा भर दें जो ड्रग के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने इस दोस्त दानिश जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।